हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक न्यू वांगशियान एफएफ लेकर आई हूँ जिसका नाम आईज नेवर लाई है। ये एक मॉडर्न वांगशियान एफएफ है जो कि मैंने खुद की इमेजिनेशन पर लिखा हुआ है। इस एफएफ में वेई वुशियान एक क्रूअल माफिया का बेटा है और वांगजी एक कॉलेज स्टूडेंट। वांगजी और वेंग एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करते हैं, पर वांगजी के इंटेंशंस वेंग के लिए ठीक नहीं हैं। आप ये कह सकते हो ये एक तरीके की रिवेंज टू लव टाइप स्टोरी है। तो चलिए हम कहानी को शुरू करते हैं। जियांग फेंगमियान अंडरवर्ल्ड का एक क्रूअल माफिया है जिससे सभी लोग डरते हैं, पर जियांग फेंगमियान की एक कमज़ोरी है, वो है उसकी फैमिली। उसकी फैमिली में वाइफ यू जियुआन, बेटी जियांग एनली और दो बेटे जियांगचा और वेई वुशियान हैं। वो बाहरी दुनिया के लिए जितना ख़तरनाक है, अपनी फैमिली के लिए उतना ही सॉफ्ट हार्टेड। यू जियुआन जियांगचा और जियांग एनली को तो बहुत प्यार करती है, पर वेई वुशियान को वो ज़्यादा पसंद नहीं करती क्योंकि वेई वुशियान उनका एडॉप्टेड बेटा है। पर जियांग फेंगमियान, जियांगचा और जियांग एनली ने कभी भी वेई वुशियान को उसके पेरेंट्स की कमी महसूस नहीं होने दी। उनकी फैमिली में सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर एक दिन जियांग फेंगमियान ने वेंग से कहा कि अब वेंग उनकी जगह संभाले। ये सुनकर वेंग चौंक गया। वेई वुशियान जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट था, वो कैसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी और इम्पोर्टेंट पोजीशन को संभाल लेता? यू जियुआन को भी डिसीजन पसंद नहीं था, पर वो अपने हस्बैंड के खिलाफ जा भी तो नहीं सकती थी। वेंग एक बहुत ही काइंड हार्टेड, क्यूट और हल्का सा फ्लर्टी नेचर का लड़का था। उसने तो सोचा था कि कॉलेज में जाकर वो अपने न्यू फ्रेंड्स बनाएगा और कई सही लड़कियों को डेट करेगा, पर एकदम से अपने माफिया डैड की पोजीशन संभालना वेंग के लिए एक बुरे सपने जैसा ही था। पर वो मजबूर था, उसके डैड ने हमेशा उसकी हर चीज़, हर विश पूरी जो करी थी। पर वेंग को इतना ज़रूर अलाउ किया गया था कि वो कॉलेज में अपनी स्टडीज़ को जारी रख सकता है, पर उसके साथ उसके बॉडीगार्ड्स भी जाएंगे। जियांग एनली जो कि वेंग की सबसे फेवरेट पर्सन और उसकी प्यारी शिजे थी, उसने कॉलेज के पहले दिन वेंग के लिए एक टिफ़िन में उसकी फेवरेट डिशेस बनाकर रखी। तो ये देखकर वेंग बोला, शिजे आपका ये आशियान ना अब बच्चा नहीं रहा, अब वो बड़ा हो चुका है, मैं ये टिफ़िन कैसे ले जा सकता हूँ, अब मैं कॉलेज स्टूडेंट बन चुका हूँ। ये सुनकर जियांग एनली बोली, आशियान मेरे लिए तुम हमेशा ही मेरे क्यूट से आशियान रहोगे। तभी वेंग बोला, शिजे जियांगचा कहाँ है? ये सुनते ही जियांग एनली उदासी हो गई, न जाने क्यों वो बहुत परेशान थी। उसे देखकर वेंग बोला, शिजे क्या जियांगचा अपने रूम में है? आप रुको, मैं अभी उसे बुलाकर यहाँ लाता हूँ। ये कहकर वेंग उठा और वहाँ से जाने लगा। तभी जियांग एनली ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, आशियान रहने दो। वेंग से अपने शिजे का उदास चेहरा नहीं देखा गया। फ्रेंड्स, हमें आगे जाकर जियांगचा के बारे में एक राज पता चलेगा, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। वेंग बोला, शिजे आखिरकार जियांगचा के साथ हुआ क्या है? भले ही वो मुझसे 2 साल बड़ा है, पर पहले तो वो हमारे साथ कितना हंसता बोलता था, पर पिछले 1 साल से उसे क्या हो गया है? वो ज़्यादातर अपने रूम में ही रहता है, ना ज़्यादा किसी से बोलना ना हंसना, पहले की तरह हमारे साथ क्यों नहीं वो बातें करता है? बताओ ना शिजे, क्या बात है? आप लोग कौन सी बात मुझसे छुपा रहे हो? जियांग एनली की आंखों में आंसू आ गए थे, पर उसने खुद को संभाला और हल्का सा स्माइल करते हुए कहा, आशियान जब हम बड़े हो जाते हैं तब कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें हमारे साथ हो जाती हैं जो हम किसी से भी शेयर नहीं कर पाते हैं। कुछ तकलीफ़ें, कुछ दर्द ऐसे ही होते हैं। आशियान तुम परेशान मत हो, आज तुम्हारा बहुत ख़ास दिन है, आज तुम्हारा कॉलेज का पहला डे है। ये सारी बातें सुनकर वेंग भी उदास हो गया, पर जब जियांग एनली ने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा तो वह फिर से पहले जैसा ही चेयरफुल नेचर का हो गया। यू जियुआन वहाँ से गुजर रही थी। सॉरी फ्रेंड्स, मैं एक बात आपको बताना भूल गई, इसमें टॉप लान वांगजी है और बॉटम वेई वुशियान है, और डोंट वरी, इस एफएफ की भी हैप्पी एंडिंग है। यू जियुआन वहाँ से गुजर रही थी, उसे देखते ही वेंग बिल्कुल चुप हो गया क्योंकि कहीं ना कहीं उसे यू जियुआन से डर लगता था। यू जियुआन बोली, यानली क्या तुम्हें और कोई काम नहीं है, या फिर तुम पूरा दिन वेई वुशियान के साथ यहीं रहना चाहती हो? वेंग नहीं चाहता था कि उसकी वजह से उसकी शिजे को डांट पड़े, इसलिए वो तुरंत बोला, मॉम। पर तभी यू जियुआन उसकी तरफ घूर कर देखने लगी। वेंग के देखकर डर गया, उसे लड़खड़ाती जबान में कहा, सॉरी मैम,
मैं कॉलेज के लिए निकल रहा हूँ। दरअसल यू जियान को वेंग के मुँह से अपने लिए मॉम सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ये कहकर वेंग जियांग मेंशन से अपने कॉलेज के लिए निकल गया। वेंग को पसंद नहीं था कि वो महंगी कार या बॉडीगार्ड्स के साथ कहीं जाए, पर सेफ्टी पर्पज़ के तौर पर उसे अपने डैड की बात माननी पड़ी, क्योंकि उसके डैड इतने बड़े माफिया थे तो उनके बहुत सारे दुश्मन भी होंगे और दुश्मन सबसे पहले फैमिली को ही नुकसान पहुंचाता है। वेंग मर्सिडीज बेंज से अपने कॉलेज के लिए निकला। साथ में उसके 4 बॉडीगार्ड्स भी थे जो कि वेंग की हर एक हरकत पर नज़र रखे हुए थे। कॉलेज के गेट पर जैसे ही कार रुकी, वेंग ने उन 4 बॉडीगार्ड्स की ओर देखा और कहा, देखो माना कि तुम सबको मेरी प्रोटेक्शन के लिए रखा गया है, पर यह मेरा कॉलेज है, यहाँ मुझे कोई खतरा नहीं है, इसलिए प्लीज़ तुम सब मेरे पीछे मत आना। ये कहकर वेंग कार से उतर गया और कॉलेज के अंदर जाने लगा। वो कुछ दूर चला ही था तभी वेंग ने महसूस किया कि कॉलेज के स्टूडेंट्स उसे घूर घूर कर देख रहे थे। तभी वेंग पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि उसके बॉडीगार्ड्स भी उसके पीछे ही पीछे चल रहे थे। वेंग को ये देखकर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हुआ। उसने सोचा, मैंने ये सबको मना किया था, फिर भी। वो जल्दी से एक बॉडीगार्ड जिसका नाम सॉन्ग लैन था उसके पास गया। सॉन्ग लैन बाकी 3 बॉडीगार्ड्स का हेड था। वेंग बोला, सॉन्ग लैन, मैंने तुमसे कहा था ना कि ये मेरा कॉलेज है, यहाँ मुझे कोई खतरा नहीं है, फिर भी तुम सब मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? तभी सॉन्ग लैन धीरे से बोला, सॉरी यंग मास्टर, हमें बॉस ने ऑर्डर्स दिए हैं कि हम एक पल के लिए भी आपको अकेला नहीं छोड़ सकते। वेंग और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया और बोला, अब डैड की जगह मैं लेने वाला हूँ ना, तो क्या मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारी नज़रों में? पर सॉन्ग लैन ने उसे कोई रिप्लाई नहीं दिया इस बात का। वेंग समझ गया ऐसे तो बात बनने वाली नहीं थी, तब वो एक क्यूट सा फेस बनाते हुए बोला, सॉन्ग लैन, क्या तुम भूल गए बचपन में हम साथ में खेला करते थे? हमारी उम्र भी एक ही है, प्लीज़ ना प्लीज़, क्या तुम मेरी इतनी बात नहीं मानोगे? दोस्ती के खातिर ही मान जाओ। ये सुनकर सॉन्ग लैन वेंग की ओर देखने लगा। वेंग बहुत खुश हो गया क्योंकि उसे लग रहा था कि अब तो सॉन्ग लैन पक्का मान जाएगा। पर तभी सॉन्ग लैन बोला, सॉरी यंग मास्टर, मैं बॉस के ऑर्डर्स का हर हाल में पालन करूँगा। बेचारा वेंग जो थोड़ी देर पहले खुश हुआ था ये सोच के कि सॉन्ग लैन उसकी बात मान जाएगा, पर जल्द ही वेंग की उम्मीदों पर पानी फिर गया। उसने हवा में पंच करते हुए कहा, सॉन्ग लैन तुम ना। पर तभी वेंग को याद आया कि वो कॉलेज के अंदर है। वेंग ने पीछे मुड़कर देखा, फिर वो हंसने लगा और धीरे से सॉन्ग लैन के कान के पास जाकर कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि सब हमें ही देख रहे हैं? सॉन्ग लैन बोला, सॉरी यंग मास्टर। वेंग ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम सब चलो मेरे साथ, पर मुझसे 6 फीट की दूरी पर रहोगे, ठीक है? क्या तुम चाहते हो कि मेरा कोई दोस्त ना बने इस कॉलेज में? सॉन्ग लैन कोई आंसर नहीं दे रहा था, तो वेंग बोला, ठीक है, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं क्लास में ही नहीं जाऊँगा, ठीक है? ये सुनकर सॉन्ग लैन वेंग की ओर देखने लगा, फिर 2 मिनट बाद बोला, ओके यंग मास्टर। वेंग के फेस पर स्माइल आ गई और वो बोला, ये हुई ना बात। वो सॉन्ग लैन के गाल को पिंच करने वाला था क्योंकि वो और सॉन्ग लैन बचपन के दोस्त थे, पर सिचुएशन के अकॉर्डिंग अब वेंग यंग मास्टर था और सॉन्ग लैन उसका बॉडीगार्ड। तभी सॉन्ग लैन बोला, यंग मास्टर, हम कॉलेज में हैं। वेंग जो काफ़ी एक्साइटेड हो गया था वो खुद को संभालता है और कहता है, ओके ओके। इसके बाद वो अपनी क्लास की तरफ मुड़ जाता है। सारे बॉडीगार्ड्स 6 फीट की दूरी से वेंग के ऊपर नज़र रखे हुए थे। वेंग बहुत खुश था क्योंकि कॉलेज लाइफ उसकी लाइफ में फ्रेश एयर जैसी थी, जहाँ वो नए फ्रेंड्स बना सकता था। एक्चुअली बचपन से ही जो कोई भी वेंग के फैमिली बैकग्राउंड को जान लेता था वो डर की वजह से अपने बच्चों को वेंग से दूर रखता था, पर ये चीज़ वेंग को अच्छी नहीं लगती थी। उसने कंप्यूटर्स लिया था। वेंग बचपन से काफ़ी चेयरफुल और शार्प माइंडेड था। उसे बड़े होकर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना था। वेंग जैसे क्लास के अंदर पहुंचा, सारी लड़कियां उसे देखकर खोस ही गईं। वेंग ने स्माइल किया और फिर सबको हाय बोलता हुआ वो अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। तभी एक लड़की उसके पास आई और बोली, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? वेंग ये सुनकर चौंक गया। तभी वहाँ एक और लड़की आ गई, उसका भी वेंग से सेम सवाल था। देखते ही देखते कई सारी लड़कियाँ वेंग को घेर कर खड़ी हो गईं। वेंग मन ही मन खुश हो रहा था कि कॉलेज के पहले दिन उसे इतनी सारी लड़कियों के प्रपोजल्स जो मिल रहे हैं। तभी किसी के हाँफने की आवाज़ सुनाई दी।
एक लड़का दौड़ता हुआ आया और जल्दी से वेंग के बगल में जाकर बैठ गया। वेंग चौंक गया था कि आखिरकार ये है कौन और ये मेरे साथ क्यों बैठाया कर। तभी उस पर्सन ने अपना चेहरा उठाया और कहा, हेलो वेवुशियन, फाइनली हम फिर से मिल रहे हैं। पहले तो वेंग समझा नहीं, फिर जब उसने गौर से उस पर्सन की तरफ देखा तो खुशी के मारे उसकी चीख सी निकल गई। वो बोला, नी वैसांग, तुम भी इसी कॉलेज में हो। उसने जल्दी से नी वैसांग को अपने गले से लगाया और कहा, मैं सच में बहुत खुश हूँ। नी वैसांग वेंग का बेस्ट फ्रेंड था। नी वैसांग बोला, वेंग, मैंने क्लास के बाहर तुम्हारे बॉडी गार्ड्स को देखा है। ये सुनकर वेंग बोला, चुप रहो यार, क्या करूँ, डैड को लगता है कि हर जगह मेरी जान को खतरा है। फिर नी वैसांग बोला, इनमें से एक तुम्हारा पर्सनल बॉडीगार्ड है ना, जिसका नाम सोंगलैन है, पर वो तो। तभी वेंग ने धीरे से नी वैसांग को चुप कराते हुए कहा, नी वैसांग प्लीज़ चुप हो जाओ, यहाँ अभी किसी को नहीं पता है कि मेरे डैड एक माफिया हैं, वरना तुम तो जानते हो ना कि क्या होगा। ये सुनकर नी वैसांग हंसा और बोला, आई नो माई डियर बेस्टी। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे, तभी क्लास में पूरी तरह से शांति छा गई। वेंग बोला, नी वैसांग, ये क्लास में सब एकदम से चुप क्यों हो गए? पर नी वैसांग भी कुछ नहीं बोल रहा था। तो वेंग बोला, नी वैसांग, अब तुम्हें क्या हो गया है? पर जैसे ही वो पीछे की ओर मुड़ा, वेंग अपने सामने एक हैंडसम से लड़की को देखकर चौंक गया। उसने आज से पहले अपनी लाइफ में इतने मेस्मराइजिंग पर्सन को नहीं देखा था। पर वो लड़का किसी से कुछ भी नहीं बोला और सीधा वेंग के पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गया। वेंग का दिल तेज तेज धड़क रहा था, उसकी नज़रें उस लड़के पर से हट ही नहीं पा रही थी। तभी वो अपने गालों को टच करता है और कहता है, वेंग, ये तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हारे गाल इतने हॉट क्यों हैं? नी वैसांग काफ़ी देर तक वेंग को बैठने के लिए कह रहा था, पर वेंग तो मानो उस लड़के में खो सा गया था। तभी क्लास में टीचर आ गई और जब उसने वेंग से कहा, तब जाकर वेंग अपनी जगह पर बैठा। नी वैसांग धीरे से बोला, वे शियोंग, तुम्हें पता भी है तुम कितनी देर से उस पीछे वाले लड़के को देखे जा रहे थे, घूरे जा रहे थे। वेंग के मुँह से बस इतना ही निकला, ये कितना ज़्यादा हैंडसम है। नी वैसांग बोला, वे शियोंग, क्या कहा तुमने? तभी वेंग अपने होश में आया और बोला, कुछ नहीं, वो तो बस मैं यूं ही। तभी वेंग का पेन टेबल से नीचे गिर गया और वो जैसे ही उसे उठाने के लिए नीचे झुका तो उसका हाथ पीछे वाले लड़के के हाथ से टकरा गया। उस लड़के और वेंग की नज़रें आपस में मिली तो वेंग का चेहरा बिल्कुल रेड हो गया। उसे जल्दी से अपना पेन उठाया और अपनी जगह पर बैठ गया। क्लास खत्म होते ही वेंग से तो रहा ही नहीं गया, वो एकदम से पीछे मुड़ा और बोला, हाय, माय सेल्फ वेंग, तुम्हारा क्या नाम है? पर उस लड़के ने वेंग को कोई भी जवाब नहीं दिया। पर वेंग कहाँ हार मानने वाला था, उसने साइट में रखे आईडी कार्ड को उठाया और कहा, ओह, तो तुम्हारा नाम लानवांग जी है, सॉरी, वो तुम अपना नाम नहीं बता रहे थे ना, इसलिए। तभी लानवांग जी ने वेंग के हाथ से वो आईडी कार्ड छीन लिया और अपने बैग में रख लिया। वेंग ने वांग जी से हैंडशेक करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, पर वांग जी तो अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा था। बेचारा वेंग बहुत ही ज़्यादा एम्बेरेस्ड हो गया। मजबूरी में उसने अपना हाथ वापस खींच लिया। नी वैसांग बोला, वे शियोंग, अगर तुम्हारे डैड को पता चला ना कि तुम कॉलेज में, वो भी पहले दिन ये सब कर रहे थे। तभी वेंग ने कहा, वेंग ने नी वैसांग के गले में हाथ डाला और क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो ना नी वैसांग, मुझे पता है कि मेरे राज तुम तक सेफ हैं। तभी वेंग अपनी निगाहें तिरछी करके लानवांग जी की ओर देखता है, जो कि बुक पढ़ने में बिजी था। वो अपनी टेबल से उठा और वांग जी की सीट के बगल में जाकर खड़ा हो गया। दो तीन मिनट बाद जब वांग जी की नज़रें उस पर गई तो वांग जी उसे घूरने लगा। वांग जी के देखते ही वेंग हंसा और बोला, सॉरी, बट मुझे एक क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, क्या तुम मुझे बताओगे? पर वांग जी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वेंग ने सोचा, ऑलरेडी मैं इतनी बेशर्मी कर ही चुका हूँ, तो थोड़ा सा और बेशर्म हो जाऊँगा तो क्या जाता है, वैसे भी यहाँ मेरी फैमिली के बारे में जानता ही कौन है और उन्हें बताएगा भी कोई क्या। ये सोचते ही वेंग ने वांग जी को सीट पर अंदर की तरफ पुश कर दिया और जल्दी से उसके बगल में बैठ गया। उसकी इस हरकत से वांग जी चौंक गया और वो वेंग की ओर घूर कर देखने लगा। तो वेंग ने हंसते हुए कहा, वांग जी सॉरी, वो ना मुझे लग रहा है कि तुम अपने स्कूल में टॉपर रहे होगे। वांग जी अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। तभी वेंग उसका हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती उसे अपने साथ बैठा लेता है। वांग जी को मजबूर होकर वेंग के उस क्वेश्चन का आंसर देना ही पड़ा। नी वैसांग ये सब देख रहा था और सोचता है, अगर आंटी यू को सब पता चल गया ना कि वे शियोंग ने कॉलेज में ये सब किया है,
तो ना जाने वो इसके साथ क्या करेंगी। लंच टाइम था। वेंग और ने वैसांग कॉलेज कैंटीन में थे। तभी वेंग की नज़र लानवांग जी पे पड़ती है जो कि अकेला लंच कर रहा था। कि देखकर वेंग हंसा और ने वैसांग से बोला, ने वैसांग चलो ना लंच करते हैं। वो अपने साथ अपने शिजे का बनाया हुआ लंच लेकर के आया था। ने वैसांग कुछ समझता तब तक वेंग उसका हाथ पकड़कर वांग जी के पास पहुंच जाता है। सोंग लैन जो कि उससे थोड़ी दूर पर ही खड़ा था वो ये सब देख रहा था कि वे वुशियान कहीं भाग के जा रहा है। ये देखकर वो और साथ में और तीनों बॉडीगार्ड्स वेंग की तरफ बढ़ जाते हैं। वांग जी लंच कर रहा था तभी वेंग उसके सामने बैठ के और बोला, ने वैसांग कैंटीन में पता है तुम्हें ये सबसे बेस्ट जगह है, हम यहीं पर लंच करेंगे। वांग जी चुपचाप अपना लंच कर रहा था। तभी वेंग ने देखा कि वांग जी बहुत ही थोड़ा सा खाना खा रहा था। ये देखकर न जाने क्यों वेंग को अच्छा नहीं लगा। उसने अपना खाना वांग जी की तरफ करते हुए कहा, ने वैसांग आज ना मुझे भूख नहीं लग रही है इसलिए अब मैं खाना नहीं खाऊंगा। ने वैसांग ये सुनकर चौंक जाता है क्योंकि कुछ देर पहले तक यही वेंग कह रहा था कि उसके पेट में भूख के मारे चूहे कूद रहे हैं। तभी वेंग का फ़ोन रिंग करने लगा। वो कॉल सोंग लैन की थी। वो बोला, यंग मास्टर हमने आपकी बात मानी है पर अब आप हमारी बातें क्यों नहीं मान रहे हैं। ये सुनकर वेंग ने धीरे से कहा, सोंग लैन तुम कहाँ हो। सोंग लैन बोला, बस आपसे थोड़ी दूर पर राइट साइड में। ये सुनते ही वेंग उसी डायरेक्शन में देखने लगा। उसने कहा, सोंग लैन प्लीज़ तुम यहाँ बताना वरना मेरी इतनी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। और ये कहकर वेंग ने कॉल काट दी। पर जैसे ही वो नीचे बैठा तभी न जाने कैसे उसके हाथ से पानी का गिलास गिर गया और वो सारा पानी वांग जी के ऊपर गिर गया। वांग जी की पूरी शर्ट गीली हो गई, उसकी इनर स्किन दिखने लगी थी। ये देखते ही वेंग घबरा गया और अपनी पॉकेट से उसने जल्दी से एक रुमाल निकाल कर वांग जी की शर्ट को साफ करना शुरू कर दिया। ने वैसांग तो बस देख रहा था ये सब। तभी वांग जी ने वेंग का हाथ पकड़ लिया। वेंग ने कहा, सॉरी वांग जी वो मैं। पर तभी वांग जी ने वेंग का हाथ और कसकर दबा दिया। वेंग को हल्का दर्द होने लगा था। ये सब हो ही रहा था तभी वहाँ सोंग लैन आ जाता है और उसने वेंग का हाथ वांग जी के हाथ से ज़बरदस्ती छुड़ाया। वो अपनी गन निकालने ही वाला था तभी वेंग ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, आई एम सॉरी वांग जी अभी मुझे यहाँ से जाना होगा। ये कहकर उसने सोंग लैन का हाथ पकड़ा और जल्दी से उसके साथ वहाँ से जाने लगा। ने वैसांग भी उसके साथ वहाँ से चला गया। सारे स्टूडेंट्स ये सब देख कर शॉक्ड थे कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है। कॉलेज के बाहर पहुंचते ही वेंग ने सोंग लैन का हाथ छोड़ा और कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मत आना फिर भी तुम वहाँ आए। तभी सोंग लैन बोला, सॉरी यंग मास्टर पर उसने आपका हाथ इतनी कसकर पकड़ा हुआ था वो आपके साथ। वेंग को गुस्सा आ गया। उसने कहा, सोंग लैन आई नो कि तुम मेरे डाइट के ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हो पर ये मेरा कॉलेज है और वो मेरा फ्रेंड था। सोंग लैन ने कहा, सॉरी। वांग जी कुछ दूर पर खड़ा हुआ ये सब देख रहा था। उसने अपनी मुट्ठी को कसकर बांधा और कहा, वे वुशियान तुम्हारे डैड की गलती का अंजाम तुम्हें भुगतना होगा। जो तकलीफें मैंने और मेरी फैमिली ने झेली हैं अब उसका हिसाब करने का टाइम आ चुका है। वेंग अपने बॉडीगार्ड से गुस्सा हो जाता है। तभी जब वो अपनी नज़र घुमाता है तो वो देखता है कि लानवांग जी उसी की ओर देख रहा था। वेंग सोचता है, अगर वांग जी को ये लगा कि मैं अपने लोगों के साथ कैसे बिहेव करता हूँ तो फिर तो वो मुझसे कभी बात भी नहीं करेगा। वो तुरंत सोंग लैन के कंधे पर हाथ रखता है और हंसते हुए कहता है, सोंग लैन अरे वो तो ना मैं बस तुम्हारे साथ ऐसे ही मजाक कर रहा था। सोंग लैन और बाकी के जो बॉडी गार्ड्स थे वो सोचते हैं, आखिरकार यंग मास्टर को हुआ क्या है, अभी कुछ मिनट पहले तो ये इतना गुस्से में थे। सोंग लैन कहता है, सॉरी यंग मास्टर पर प्लीज़ आप नाराज़ मत होइए। वेंग हंसते हुए कहता है, सोंग लैन मैंने कहा ना कि मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ फिर भी तुम क्यों ऐसे कह रहे हो। तभी जब वो फिर से वांग जी की ओर देखता है तो वांग जी तब तक वहाँ से जा चुका था। वेंग सांस में सांस लेता है और कहता है, जल्दी से घर वापस चलो। इधर वांग जी अपने घर जा रहा होता है तभी उसके फ़ोन पर किसी की कॉल आती है। वो पर्सन वांग जी से कहता है, जिस मकसद से तुमने इस कॉलेज में एडमिशन लिया था उसका क्या हुआ। कुछ देर तक तो वांग जी कुछ नहीं बोला तभी वो पर्सन गुस्से में कहने लगा, लान वांग जी अगर तुमसे ये काम नहीं हो रहा है तो बोल दो मैं काम पूरा कर दूंगा। तभी वांग जी बोला, मुझे कुछ टाइम चाहिए ये काम ज़रूर पूरा करूंगा मैं।
वो पर्सन कॉल काट देता है। वांग जी भी बहुत गुस्से में था। उसने कहा, वे वुशियन, तुम्हें तुम्हारे डैड के किए हुए का भुगतान करना ही होगा। वे वुशियन अपने घर पहुंचा और तुरंत जियांग गैनली के रूम में चला गया। जियांग गैनली को आर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था। वो कंप्यूटर पर कुछ स्केचेस बना रही थी। वेंग दबे पांव रूम में पहुंचा और अपने शीशे की आंखों पर हाथ रख दिया। जियांग गैनली चौंक गई। वेंग हंस रहा था, पर किसी तरह से उसने अपनी हंसी को कंट्रोल किया। तभी जियांग गैनली वेंग के हाथों को टच करते हुए बोली, आशियान। ये सुनकर वेंग बोला, अरे शीशे, आपने तो मुझे पहचान लिया। मैंने तो सोचा था कि मैं आपको डराऊंगा, पर आप तो। जियांग गैनली वेंग की तरफ मुड़ी और कहने लगी, आशियान, तुम मेरे लिटिल ब्रदर हो, जिसे मैंने बचपन से बड़े होने तक देखा है, तो फिर मैं कैसे तुम्हें पहचान नहीं पाती। ये सुनकर वेंग के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने अपने शीशे को गले से लगा लिया। जियांग गैनली ने कहा, आशियान, आज कॉलेज का पहला दिन कैसा गया तुम्हारा? क्या तुम्हारे न्यू फ्रेंड्स बने? ये सुनकर वेंग के चेहरे पर एक चमक सी आई, पर अगले पल वो खुशी चली गई। जियांग गैनली ने प्यार से वेंग के चेहरे को टच करते हुए बोला, आशियान, क्या हुआ, बताओ मुझे। ये सुनकर वेंग ने कहा, शिजे, आज कॉलेज में एक बहुत ही हैंडसम सा लड़का आया था, जिसका नाम लान वांग जी था। आपको पता है शिजे, वो इतना ज़्यादा हैंडसम लग रहा था ना कि मैं तो बस उसे देखता ही रह गया। वेंग कहता है, शिजे, वैसे तो आपका ये छोटा भाई भी हैंडसमनेस में किसी से कम नहीं है, और हाँ, लड़कियाँ तो मेरी दीवानी हैं, पर ना जाने क्यों आज लाइफ में पहली बार किसी लड़के को देखकर मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं। जियांग गैनली ने वेंग के चेहरे को ऊपर किया और कहा, आशियान, तुम्हें पता है ना कि हम किस फैमिली को बिलोंग करते हैं? ना जाने क्यों लैन वर्ड सुनकर जियांग गैनली के दिल में घबराहट सी हो गई। वो सोचने लगी कि वो लैन की फैमिली तो होगी नहीं। न जाने क्यों जियांग गैनली के दिल में एक डर सा समा गया था, जैसे कोई पुरानी बात फिर से याद आ गई हो। वेंग बोला, शिजे, आई नो कि हम एक माफिया फैमिली को बिलोंग करते हैं, पर हम। तभी उसने देखा कि जियांग गैनली काफ़ी घबरा गई थी। ये देखकर वेंग बहुत परेशान हो गया। उसे तुरंत अपने शिजे को गले से लगा लिया और कहा, शिजे, डोंट वरी, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे डैड की परेशानियाँ बढ़ें। जियांग गैनली की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने कहा, आशियान, मैं नहीं चाहती कि तुम पर कोई मुसीबत आए। वेंग ने कहा, डोंट वरी शिजे, आपका भाई अब बड़ा हो चुका है। रूम से बाहर निकलकर वेंग ने कहा, बीते टाइम में ज़रूर ऐसी कोई बात हुई है जो कि मुझे नहीं पता है और मुझसे छुपाई जा रही है। वो अपने ख्यालों में खोया हुआ आगे चलता चला जा रहा था। तभी अचानक से वो यू जी वान से टकरा गया। यू जी वान चिल्लाई, वे वुशियन, क्या तुम देख के नहीं चल सकते हो? वेंग डर गया और बोला, सॉरी मैम, वो मैं आगे कुछ नहीं बोल पाया। वेंग यू जीवान उससे कुछ कहती, तभी जियांगशा के रूम से चीखने की आवाज़ आई, जिसे सुनकर वेंग, यू जीवान और यानली सभी उसी रूम की ओर दौड़े। डोर ओपन करते ही यू जीवान की तो चीख ही निकल गई। जियांगशा ज़मीन पर गिरा पड़ा था और उसके हाथ से खून निकल रहा था। वो बेहोश हो चुका था। वेंग ने तुरंत फैमिली डॉक्टर को कॉल करके वहाँ आने के लिए कहा। 5 मिनट बाद डॉक्टर जेंग जियांग मैंशन में पहुँच गए और उन्होंने जियांगजा का ट्रीटमेंट किया। जियांगजा बेहोश था। जियांग यानली रो रही थी और वेंग अपनी शिजे को चुप करा रहा था। यू जी वन बोली, डॉक्टर, प्लीज़ मेरा बेटा ठीक तो है ना? कुछ होगा तो नहीं ना इसे? डॉक्टर जेंग बोले, मैडम यू, मिस्टर जियांगजा ने नींद की बहुत सारी टेबलेट्स ले ली थी और फिर इन्होंने अपना हाथ नाइफ से काट लिया, पर डर की कोई बात नहीं है, अभी ये खतरे से बाहर हैं, बट प्लीज़ आप इन्हें अकेला मत रहने दिया करिए, नहीं तो आगे भी ये ऐसी चीज़ें रिपीट कर सकते हैं अपने साथ। वेंग की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था, पर उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो किसी से कुछ भी पूछे। उसने सोचा कि इस बारे में बाद में या किसी और दिन पूछना ही बेहतर रहेगा। जियांग गैनली और यू जी वान जियांगजा के रूम में रुके हुए थे और जियांग गैनली ने वेंग से कहा कि अगले दिन उसका कॉलेज है, इसलिए वो रेस्ट कर ले जाके। वेंग अपने रूम में आया और बेड पर लेट गया। वो काफ़ी देर तक कमरे की छत की ओर देखता रहा। तभी अचानक से वो बेड से उठा और कहने लगा, आखिरकार जियांगजा ऐसा क्यों है? क्या हुआ था उसके साथ? क्या कोई ऐसी बात है जो मुझे नहीं पता है? पर क्या है वो? वेंग कहता है, वो तो गनीमत है, डैड घर पर नहीं है, वरना तो न जाने क्या होता।
तभी उसे वांगची का चेहरा याद आ जाता है और वो स्माइल करने लगता है। वेंग कहता है, सॉरी लान वांगची, बट मैं तुमसे दोस्ती करके ही रहूँगा। तभी वो अपने दिल पर हाथ रखता है तो उसे महसूस होता है कि उसका दिल बहुत तेज तेज धड़क रहा था। ये देखकर वेंग सोचता है, क्या किसी से जिसे हम दोस्त मानते हों उसके लिए दिल इतना तेजी से धड़कता है। वो कहता है, वे वुशियान, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, सो जाओ, नहीं तो कल तो तुम कॉलेज पहुंच भी नहीं पाओगे टाइम से। अगले दिन वेंग जब कॉलेज जाने के लिए तैयार होकर अपने रूम से निकला तो उसने देखा कि जियांगचा का रूम ओपन था, तो वो उधर की ओर जाने लगा। उसने देखा कि जियांग एली जियांगचा के पास हेड डाउन करके सो रही थी। वेंग ने उन दोनों को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा। कार के पास सॉन्ग लैन और बाकी के बॉडीगार्ड्स वेंग का वेट कर रहे थे। वेंग ने कार में बैठने से पहले सॉन्ग लैन से कहा, तुमने फादर को कल किसी चीज़ के बारे में कुछ बताया तो नहीं था? सॉन्ग लैन बोला, नो यंग मास्टर। ये सुनकर वेंग ने सुकून की सांस ली, वरना ना जाने जियांग फेंगम्यान उसके साथ क्या करते। रास्ते में वेंग ने निवेसांग को कॉल मिलाई और कहा, निवेसांग, मैं बस 5 मिनट में कॉलेज पहुँच रहा हूँ, तुम मेरा वेट करना। कॉल काटने के बाद वेंग सॉन्ग लैन की तरफ घूमा और साथ में जो बॉडीगार्ड्स थे उनसे कहने लगा, प्लीज़ मैं तुम दो लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ कोई तमाशा मत करना, वरना मेरे डैड मेरा कॉलेज जाना भी बंद कर देंगे। सॉन्ग लैन बोला, यंग मास्टर, प्लीज़ आप भी अपनी बात का ध्यान रखिएगा और उसको मानिएगा, नहीं तो मजबूरन हमें। वेंग बोला, हाँ, मैं सब समझ गया हूँ, मैं हर बात का ध्यान रखूँगा। कॉलेज आते ही वो कार का गेट ओपन करके उतरा और अंदर जाने लगा। निवेसांग पहुँचा भी नहीं था। आज वेंग को लेट हो गया था, इसलिए वेंग दौड़ता हुआ जा रहा था। वो क्लास में पहुँचने ही वाला था कि तभी अचानक से उसके सामने लान वांगची आ गया। वेंग ने अपने को संभालने की बहुत कोशिश करी, पर वो वांगजी से टकराने से नहीं बच पाया। टाइम रहते वांगजी ने वेंग को अपनी बाहों में थाम लिया। सॉन्ग लैन थोड़ी दूर पर ही था और इतने सारे स्टूडेंट्स थे, ऊपर से कल जो कुछ भी हुआ था उससे वो आगे नहीं बढ़ा, अपनी जगह पर ही खड़ा रहा। वेंग की धड़कनें बहुत तेज थी, उसे वांगजी ने अपने बाहों में कसकर थाम रखा था। तभी वेंग ने अपनी नज़रें उठाई और वांगजी की ओर देखते हुए स्माइल करते हुए बोला, थैंक यू वांगजी, अगर तुमने। तभी वांगजी बोला, वे वुशियान, क्या तुम्हें इसी पोजीशन में रहना है? सब हमें ही देख रहे हैं। ये सुनकर वेंग हड़बड़ा गया और वांगजी से दूर होने लगा, पर जल्दी जल्दी में उसका हाथ फिसल गया और वो वांगजी की बाहों में फिर से गिर गया। सभी लड़के लड़कियाँ ये सब देख रहे थे। सॉन्ग लैन से अब ये सब देखा नहीं गया, वो आगे बढ़ने लगा। तभी वेंग उठा और बोला, सॉरी, वो ना मैं फिसल गया था इसी वजह से। तभी वांगजी की नज़र एक पर्सन पर गई, जिसे देखते ही वांगजी ने वेंग का हाथ पकड़कर उसे अपने पीछे कर लिया। वेंग ये बात समझ नहीं पाया। कुछ देर तक वांगजी वेंग का हाथ अपने हाथ में ही पकड़े रहा। जब वो पर्सन वहाँ से चला गया तो वांगजी वेंग का हाथ छोड़कर क्लास में वापस चला गया। सॉन्ग लैन वेंग के पास आया और बोला, यंग मास्टर, आप ठीक तो हो ना? पर वेंग का ध्यान तो अपने हाथ की तरफ था, जिसे कुछ देर पहले तक वांगजी ने टाइटली पकड़ रखा था। सॉन्ग लैन बोला, यंग मास्टर, आप ठीक तो हो ना? वेंग बोला, हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये कहकर वेंग क्लास में चला गया। आज फिर निवेसांग भाग कर क्लास में अंदर आया था। वांगजी अपनी सीट पर बैठा हुआ था और वेंग एक बार अपने हाथ को देखता, एक बार वेंग को देखता, एक बार अपने हाथ को देखता, एक बार वेंग को देखता। कुछ मिनट्स तक वो यही सब करता रहा। इतनी देर में न जाने कितनी बार निवेसांग वेंग को सीट पर अंदर शिफ्ट होने के लिए कह चुका था, पर वेंग तो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। तभी निवेसांग जोर से चिल्लाया, वे वुशियान, क्या तुम शिफ्ट होगे तो मैं बैठूं? बेचारा वेंग हड़बड़ा कर अपनी सीट पर खड़ा हो गया और बोला, हाँ, क्या हुआ निवेसांग, तुम इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? निवेसांग गुस्से में वेंग की ओर देख रहा था और क्लास के सारे स्टूडेंट्स उन दोनों को। तभी वांगजी बोला, शायद कुछ लोगों को अपने सिवा कोई और नहीं दिखता है। निवेसांग भी डर गया था जब वांगजी सीरियस टोन में ये बात बोला। निवेसांग धीरे से बोला, वे शियोंग, मैं कितनी देर से तुमसे कह रहा था कि अंदर शिफ्ट हो जाओ, पर तुम तो न जाने कौन से ख्यालों में खोए हुए हो। तभी वेंग ने कहा, निवेसांग, तुम्हें पता है आज ना। निवेसांग बोला, वे शियोंग, आगे भी कुछ बोलोगे या फिर इसी शब्द पर अटके रहोगे? वेंग बोला, आज ना वांगजी ने मेरा हाथ पकड़ा था। निवेसांग ने बोला, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? वेंग बोला, छोड़ो, तुम नहीं समझोगे।
तभी वो जब पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि वांग जी उसी की ओर देखे जा रहा था। वेंग का तो फेस रेड हो गया और वो बोला, वांग जी क्या हुआ? वांग जी बहुत सीरियस लग रहा था। वेंग तो डर गया था कि शायद वांग जी उसको डांटने वाला है, लेकिन वांग जी बोला, वे वुशियन, आज दोपहर 2 बजे कॉलेज में ही मेरा कराटे कॉम्पिटिशन है, क्या तुम वहाँ आओगे? ये सुनकर तो मानो वेंग का सपना सच ही हो गया हो। उसने कहा, हाँ हाँ मैं ज़रूर आऊँगा। निवेसांग ने सोचा, ये वे श्योंगना सच में पागल हो गया है, ऐसी हरकतें कर रहा है कि अगर अंकल और आंटी होते तो क्या ही कहते वो। वेंग की नज़र बार बार घड़ी की ओर ही जा रही थी। वांग जी 1 घंटा पहले ही क्लास से जा चुका था। वेंग कहता है, ये 2 कब बचेंगे? फाइनली 2 बजते ही वेंग ने अपना बैग उठाया और क्लास से सीधा कराटे रूम में जाने लगा। सोंगलेन ने देख लिया और कहा, यंग मास्टर, आप इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? तभी वेंग बोला, एक्चुअली ना मेरे एक फ्रेंड की कराटे क्लास है, मतलब कि कराटे कॉम्पिटिशन है, वहीं पर मैं जा रहा हूँ। ये सुनकर सोंगलेन बोला, तो हम सब भी आपके साथ चलेंगे। वेंग ने कहा, क्या तुम सब? नहीं नहीं तुम सब नहीं, सिर्फ तुम चलोगे सोंगलेन। फाइनली सोंगलेन वेंग की बात पर राज़ी हो गया। वेंग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था, वहाँ पर कई सारी गर्ल्स भी आई हुई थी। जैसे ही वांग जी वहाँ आया, सारी लड़कियाँ, यहाँ तक कि कुछ लड़के भी कहने लगे, लान वांग जी, लान वांग जी। ना जाने क्यों वेंग को ये अच्छा नहीं लगा, फिर भी उसने कहा, वेंग तुम्हें तो यहाँ वांग जी ने स्पेशली बुलाया है ना, इसलिए तुम्हें जलस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे फाइट स्टार्ट हुई तो वेंग की धड़कनें बहुत तेज़ हो गई, उसकी नज़रें वांग जी पर से हटी नहीं पा रही थी। वांग जी अपने अपोनेंट पर भारी पड़ रहा था, पर तभी उसके अपोनेंट ने उसके चेहरे पर एक किक मार दी। वांग जी के मुंह से ब्लड आ गया। वेंग की आंखों में आंसू आ गए, वो वांग जी को पेन में नहीं देख पा रहा था। उनकी फाइट बहुत ही खतरनाक हो गई थी। ये देखकर वेंग ने हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया, क्योंकि वो वांग जी को ना ही तो हारते हुए देखना चाहता था और ना ही तो तकलीफ में देख सकता था। तभी जब अनाउंस किया गया कि विनर वांग जी है, तब जाकर वेंग ने अपना चेहरा ऊपर किया। उसकी आंखें नम थीं। सभी लोग एकदम से वांग जी की ओर भागे, पर वांग जी ने उन सबको इग्नोर करके सीधा वेंग के पास वो चला गया। वेंग अपना सर झुकाए बैठा हुआ था, तभी उसे अपने पास किसी के होने का एहसास हुआ। वांग जी ने हैवी वॉइस में बोला, वे वुशियन, पर वेंग को लगा कि वो शायद गलत सुन गया है। तभी वांग जी ने वेंग के शोल्डर पर हाथ रखा और कहा, वे वुशियन तुम्हें क्या हुआ है? जब वेंग ने अपना सर ऊपर उठाया और वांग जी की ओर देखा, तो उसकी आंखों में अपने लिए आंसू देखकर वांग जी चौंक गया। वांग जी ने वेंग का हाथ पकड़ा और वेंग को अपने साथ वहां से ले जाने लगा। सोंगलेन ही देख लेता है, वो जल्दी से वेंग की ओर भागता है, पर ज़्यादा भीड़ की वजह से वेंग तक वो नहीं पहुँच पाया। सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं, आखिरकार क्या मैटर है इन दोनों के बीच में। वांग जी वेंग को लेकर सीधा लॉकर रूम में पहुंचा, जहां उसे अपने कपड़े चेंज करने थे। वेंग तो बस वांग जी के पीछे पीछे चलता चला जा रहा था। लॉकर रूम में 2 और लड़के थे। वेंग को देखते ही वो दोनों आपस में बोले, ये लान वांग जी आज से पहले तो किसी से बात तक नहीं करता था, और आज ही अपने साथ किसी को यहाँ लेकर के आया है। तभी उन्हें महसूस हुआ कि वांग जी उन्हीं की ओर घूर रहा था। वो दोनों लड़के जल्दी से वहाँ से चले गए। वेंग वांग जी से कहना तो बहुत कुछ चाहता था, पर कहाँ से शुरुआत करें यही समझ नहीं पा रहा था वो। तभी वांग जी ने उसकी तरफ पानी की बोतल देते हुए कहा, वे वुशियन पानी पी लो तुम। उसकी आवाज़ कानों में पड़ते ही मानो वेंग होश में आया हो, उसने वो पानी की बोतल ले ली। उसके सामने ही वांग जी अपने कपड़े चेंज करने लगा। वांग जी की स्लिम टोन्ड एंड सेक्सी बॉडी देखकर वेंग का फेस रेड हो गया और उसने अपना फेस दूसरी ओर कर लिया। कपड़े चेंज करने के बाद वांग जी वेंग के बगल में बैठ गया। वेंग का दिल तेज तेज धड़क रहा था और उसकी पूरी बॉडी हॉट हो गई थी। उसने कहा, वांग जी क्या तुम्हें दर्द नहीं हो रहा है? और मुझे नहीं पता था कि तुम कराटे भी जानते हो। पर वांग जी ने उसकी इस बात का जवाब ना देकर वेंग से कहा, तुम रो क्यों रहे थे? ये सुनते ही वेंग बोला, रो रहा था? कौन रो रहा था? तुम भी ना वांग जी, क्या मजाक करते हो। तभी वांग जी वेंग के बिल्कुल नज़दीक आकर बोला, वेंग तुम मेरे लिए रोए थे, मगर क्यों? तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ। वांग जी को अपने इतना नज़दीक देखकर वेंग एकदम से हड़बड़ा गया और पीछे होने लगा। वेंग बोला, लान वांग जी तुम मेरे इतना नज़दीक क्यों आ गए थे? वांग जी ने कहा, वे वुशियन मेरे ज़्यादा नज़दीक मत आओ। वेंग बोला, वांग जी आई थिंक। तभी वांग जी बोला, वे वुशियन
टाइम हो चुका है, मुझे घर के लिए निकलना है। तभी अरे कहकर वांगजी वहाँ से जाने लगा, पर तभी वेंग उसका हाथ पकड़ लेता है। वांगजी ये देखकर चौंक गया, वो कुछ समझता उससे पहले ही वेंग ने वांगजी के लिप्स पर किस कर लिया। वांगजी ने ये तो सपने में भी नहीं सोचा था। वेंग भी डर गया था और वो सॉरी कहकर तुरंत वहाँ से भाग गया। वेंग सोचता है, विभूषण ये तुमने क्या कर दिया, अब तो वांगजी तुमसे कभी भी बात नहीं करेगा और तुम उससे कैसे नजरें मिला पाओगे, तुम सच में पागल हो विभूषण। तभी उसे सोंगलैन पकड़ लेता है और कहता है, यंग मास्टर आप कहाँ भाग कर जा रहे हैं। पर वेंग उससे कुछ नहीं कहता। इधर वांगजी शॉकिंग कंडीशन में था, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वेंग ने उसे किस कर लिया है। तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगा, वो कॉल उसी पर्सन की थी। वो पर्सन बोला, लान वांगजी तुम्हारे साथ उस जियांग फेंग मियान का बेटा था, वो कहाँ है अभी। ये सुनकर वांगजी बोला, वो चला गया है। वो पर्सन चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारे पास इतना अच्छा मौका था फिर भी तुमने उसे जाने दिया, लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। वांगजी बोला, अगर तुमने गलती से भी कोई हरकत करी ना तो शायद तुम भूल चुके हो कि मैं कौन हूँ। वे वुशियन मेरा शिकार है, उसे मैं ही संभालूंगा। और हाँ एक और बात, मेरा पीछा करना बंद कर दो, नहीं तो वे वुशियन से पहले तुम्हारे साथ ही मैं कुछ कर दूंगा। ये कहकर वांगजी ने कॉल काट दी। न जाने क्यों वांगजी का दिल दिमाग जो पहले एक जैसा सोचता था, एक जैसी बातें करता था, अब उसमें डिफरेंस क्यों था। क्या ये चेंज वेवुशियन की वजह से था। वेंग वांगजी को किस करने के बाद लॉकर रूम से भाग जाता है। उसका फेस बिल्कुल रेड हो गया था। वेंग सोचता है, ये मैंने क्या कर दिया, अब तो वांगजी मुझसे कभी भी बात नहीं करेगा। ये सब सोचते सोचते वो भाग रहा था, तभी उसे सोंगलैन पकड़ लेता है और कहता है, यंग मास्टर आप कहाँ थे, आप ठीक तो हो ना, आपकी धड़कन इतनी तेज़ क्यों हो रखी है। वेंग के हाथ पूरी तरह से कांप रहे थे और दिल की धड़कन बेतहाशा बड़ी हुई थी। सोंगलैन डर जाता है, उसने कहा, यंग मास्टर। तभी वेंग ने उसकी आंख में देखते हुए कहा, सोंगलैन घर वापस चलो। इसके बाद वो लोग जियांग मेंशन की ओर निकल गए। इधर वांगजी कॉल काटने के बाद उसी डायरेक्शन में दौड़ कर जाता है जिधर वेंग भागा था, पर वहाँ उसे कोई भी नहीं मिला। तभी जब वो वापस मुड़ रहा था तो उसे एक चेन और लॉकेट ज़मीन पर गिरे हुए मिले। वांगजी ने उसे उठा लिया और जब लॉकेट को ओपन किया तो उसमें वेंग की बचपन की फ़ोटो थी। वांगजी काफ़ी देर तक उसे देखता रहा, फिर उसने उसे अपनी पॉकेट में रख लिया। वेंग पूरे रास्ते किसी से कुछ भी नहीं बोला, बस उसने अपने हाथ अपने लिप्स पर रखे हुए थे। मेंशन पहुंचते ही वेंग सीधा अपने रूम में चला गया और बाथरूम में जाकर शावर लेने लगा। वो न जाने कितनी ही देर तक शावर के नीचे खड़ा रहा, उसे बस वांगजी के वो लिप्स, उनके टच का एहसास, यही सब वेंग के दिमाग में नाच रहा था। वेंग की आंखें भर आई क्योंकि उसे एक डर सताने लगा था कि वांगजी अब उससे कभी बात नहीं करेगा, उसे हेट करेगा, वांगजी उससे डिस्गस्टिंग फील करेगा। आधे घंटे बाद वेंग बाथरूम से बाहर निकला। काफ़ी देर तक पानी में रहने की वजह से वेंग को फीवर आ गया। वो कपड़े चेंज करके बेड पर लेट जाता है, उसकी नज़रों के सामने बस वांगजी का चेहरा ही नाच रहा था। वेंग सोचता है, वांगजी तुम इतने परफेक्ट कैसे हो सकते हो, पर आज तो मैंने सब बर्बाद कर दिया। वो अपने ख्यालों में खोया हुआ था तभी डोर पर किसी ने नॉक किया। दो तीन बार जब डोर नॉक हुआ तब जाकर वेंग ने दरवाज़ा खोला। जियांग यानली वेंग के लिए कॉफ़ी लेकर आई हुई थी। उसे देखकर वेंग बोला, शिजे आप यहाँ, जियांगजा कैसा है। जियांग यानली ने वेंग का हाथ पकड़ा, तभी उसने बोला, आशियान तुम्हें तो फीवर है। वेंग बोला, अरे शिजे मुझे कुछ नहीं हुआ है, पहले आप बताओ जियांगजा कैसा है। यानली बोली, आज जंग को दवाई दी गई है, वो सो रहा है, पहले से वो काफ़ी बेटर है। यानली ने वेंग की फिर एक भी नहीं सुनी, उसने तुरंत ड्रॉअर से थर्मामीटर निकाला और वेंग का बॉडी टेम्परेचर मेजर किया। वेंग को हाई फीवर हो रखा था। जियांग यानली ने तुरंत मेड को किचन से पॉरिश बनाकर लाने के लिए कहा। वेंग कह रहा होता है, शिजे मैं ठीक हूँ। तभी जियांग यानली बोली, आशियान प्लीज़ तुम ठीक रहो, मेरा एक भाई ऑलरेडी कितना कुछ झेल रहा है, सफ़र कर रहा है, मैं नहीं चाहती कि मेरा दूसरा भाई भी परेशान हो। वेंग ने कहा, शिजे अरे मैं ठीक हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, फीवर है, ठीक हो जाएगा।
जियांगन ली बोली, आशियान तुमने कितनी बार मुझसे ये बात पूछी थी ना कि आचंग के साथ आखिरकार क्या हुआ था, क्यों वो ऐसा हो गया है, क्यों हंसने बोलने वाला आचंग इतना शांत और अपने कमरे में रहने वाला हो गया है। मैं अब तुमसे ये बात और ज़्यादा नहीं छुपा सकती हूँ। वेंग बोला, शिजे आखिरकार बात क्या है जो आप इतना परेशान हो गई हो। तभी यान ली बोली, आशियान 2 साल पहले डैड ने तुम्हें अमेरिका पढ़ने के लिए भेज दिया था क्योंकि यहाँ का माहौल अच्छा नहीं था। डैड के एक बहुत अच्छे दोस्त थे, मुझे उनका नाम तो नहीं पता लेकिन एक दो बार वो हमारे जियांग मेंशन में आए ज़रूर हैं। यानली बोली, आशियान तुम्हें तो पता है ना कि अंडरवर्ल्ड का माफिया होना आसान नहीं है। जब तुम डैड की पोजीशन संभालोगे तब तुमको शायद ये बात समझ में आएगी। हम इस हकीकत से चाहे जितना भी भागे लेकिन ये सच है कि हम एक अंडरवर्ल्ड माफिया की फैमिली हैं। अंकल का एक नेफ्यू था, वो भी उनके साथ यहाँ आया था। न जाने कैसे आचंक और उनके नेफ्यू के बीच में प्यार हो गया। उनकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर पता नहीं अचानक से एक दिन डैड और उनके दोस्त के रिलेशनशिप ख़राब हो गया। बात यहाँ तक पहुँच गई थी, डैड और उनके दोस्त के बीच में फाइट स्टार्ट हो गई और एक दिन फाइट के दौरान अंकल के नेफ्यू ने आचंक की जान बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल दिया। जो गोली आचंक को लग सकती थी वो उसने अपने ऊपर ले ली। उनका नेफ्यू कुछ टाइम बाद रिकवर तो कर गया था पर दुश्मनी और ज़्यादा बढ़ गई। उसके बाद से आज तक हमको उनका कुछ भी नहीं पता। यानली बोली, आचंक इस सब की वजह से खुद को ज़िम्मेदार ठहराता है और वो डिप्रेशन में चला गया था और वो अपने प्यार से दोबारा कभी नहीं मिल पाया। इन्हीं सब वजहों से कितनी ही बार आचंक ने अपनी जान लेने की कोशिश कर ली है। वेंग की आंखों में आंसू आ गए थे, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जंगजा ने इतना कुछ फेस किया है। उसने कहा, शिजे इतना कुछ हो गया और आपने मुझे कुछ बताया तक नहीं। यानली बोली, आशियान हम तुम्हें कैसे बताते, तुम उस समय छोटे थे, तुम यहाँ आते भी तो क्या कर सकते थे और तुम परेशान ही होते। वेंग बोला, शिजे क्या आप मुझे बता सकती हो कि डैड के दोस्त का नाम क्या था। यानली बोली, आशियान मुझे ज़्यादा तो नहीं याद है पर उनका सरनेम शायद लान था। वेंग कुछ और कहने वाला था पर तभी मेट ने दरवाजे पर नॉक किया। मेट पॉरिज लेकर आई थी। वेंग ने पॉरिज खाया, दवाई ली और आराम करने लगा। यानली वहाँ से जा चुकी थी। वेंग अपने रूम में बेड पर लेटा हुआ था और छत की ओर देख रहा था। वह अपने दिल पर हाथ रखता है और कहता है, शिजे मैं सब ठीक कर दूंगा, आचंक को उसके प्यार से ज़रूर मिलवाऊंगा। यही सब सोचते सोचते वेंग की आंख लग गई। सुबह का टाइम था, वांग जी अपने बेड से उठा और पहले उसने एक्सरसाइज करी फिर मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करने लगा। उसके दिमाग में वेंग का चेहरा नाच रहा था। पुशअप्स करते करते वांग जी अचानक से रुक गया। उसने अपनी ड्रॉअर से वह पेंडेंट निकाला फिर कुछ देर बाद उसे वापस रख दिया। एक्सरसाइज करने की वजह से वांग जी की बॉडी स्वेटी हो गई थी। वो शावर लेकर फिर रेडी हो जाता है। तभी वो शीशे के सामने जाता है और कहता है, लान वांग जी तुम किसी भी हाल में अपने मकसद से पीछे नहीं हट सकते हो। क्या तुम भूल गए कि जियांग फैमिली की वजह से तुम्हारा बड़ा भाई कितना कुछ झेला है। सबने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि लान शिजन बचेगा भी पर मिरेकल हो गया और तुम्हारा भाई आज जिंदा है। अब बारी है जियांग फैमिली की और इसकी भरपाई उनका सबसे छोटा बेटा मे वो शर्ण करेगा जब प्यार में उसे वही दर्द वही तकलीफ झेलनी होगी जो मेरे बड़े भाई ने झेला है। तब उस फैमिली को पता चलेगा। हम लांस फिर से राइज करेंगे। वांग जी ने अपनी मुट्ठी कसकर बांध ली थी। उसने कहा, वांग जी वेंग को अब तुमसे प्यार होने लगा है और इस मौके का तुम्हें फ़ायदा उठाना ही होगा। तभी उसके फ़ोन पर उसके अंकल की कॉल आई और वो बोले, वांग जी तुम पिछले एक साल से कहाँ हो, ना तो तुम मुझे या अपने भाई को कभी कॉल करते हो ना हमें कुछ बताते हो, आखिरकार चल क्या रहा है। तभी वांग जी बोला, अंकल जिस मकसद से मैं अमेरिका से वापस यहाँ आया हूँ वो जल्दी पूरा होने वाला है, फिर मैं अपने घर वापस आ जाऊँगा आपके और गा के पास। लाशरन बोला, वांग जी तुम कोई डेंजरस काम तो नहीं कर रहे हो ना, हमारी लान फैमिली ने बहुत कुछ सफ़र किया है, बड़ी मुश्किल से हम एक नॉर्मल लाइफ जी पा रहे हैं। तभी वांग जी बोला, अंकल डोंट वरी मैं कोई भी काम ऐसा नहीं करूँगा जिससे आप या गा के लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी हो। कॉल काटने के बाद वांग जी बोला, सॉरी अंकल सॉरी का मैं भी आपसे कुछ भी नहीं बता सकता हूँ।
उसने विंग का वो लॉकेट और चेन ड्रॉअर से निकालकर अपनी पैंट की पॉकेट में रख ली। वो अपने फ्लैट से बाहर निकल ही रहा था कि तभी उसे वही पर्सन दिखाई दिया। वांगजी को गुस्सा आ गया। उसने उसकी शर्ट का कॉलर पकड़कर कहा, मैं गया हूँ, मैंने कहा था ना तुमसे कि मेरे ऊपर नज़र रखना बंद कर दो, लेकिन लगता है तुम्हें अभी तक बात समझ में नहीं आई है। मेंग्याओ बोला, लान वांगजी, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। जियांग फेंगमियान फॉरेन से वापस आने ही वाला है, फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमें तब तक तभी वांगजी ने कहा, मेंग्याओ, वे वुशियन से दूर रहना, उसे टच करने की कोशिश भी मत करना। मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या कुराफात चल रही है। मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है या क्या नहीं। ये तुम्हारे लिए मेरी लास्ट वार्निंग है। मेंग्याओ डर के मारे वहाँ से चला गया, क्योंकि उसे लान वांगजी के गुस्से के बारे में बहुत अच्छे से पता था। इधर वांगजी कॉलेज पहुँचा तो मेन गेट पर ही वो खड़ा रहा, पर टाइम ओवर हो गया और विंग नहीं आया। क्लास में पहुँचते ही वांगजी ने जब नियवेसांग से पूछा कि आज विभूषण क्यों नहीं आया, तो नियवेसांग ने उससे कहा, मुझे नहीं पता, मैंने तो उसे कॉल करी थी पर उसने कॉल रिसीव ही नहीं करी। वो बोला, वेंग तो स्कूल में भी कभी एक दिन भी मिस नहीं करता था। तभी वांगजी ने कहा, नेवेसांग, क्या तुम मुझे उसका फ़ोन नंबर दे सकते हो? ये सुनकर नेवेसांग चौंक गया, क्योंकि उसने आज से पहले वांगजी को ऐसे नहीं देखा था। नेवेसांग ने सोचा, अरे क्या हुआ, ये नंबर ही तो मांग रहा है ना। वो वांगजी को वेंग का नंबर दे देता है। वांगजी उसको थैंक यू बोलता है और वापस अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। कॉलेज से लौटते वक्त उसने वेंग को कॉल लगाई। पहली बार तो वेंग ने कॉल रिसीव ही नहीं करी, पर दूसरी बार में उसका फ़ोन रिसीव हो गया। वेंग का फीवर अब कम हो चुका था। अपने फ़ोन पर अननोन नंबर देखकर वेंग चौंक गया, क्योंकि उसका वीवीआईपी नंबर था, जो कि फैमिली मेंबर्स और नेवेसांग को छोड़कर किसी के पास भी नहीं था। उसे लगा कि शायद नेवेसांग ने ही उसे किसी और नंबर से कॉल करी होगी। कॉल रिसीव करते ही वेंग बोला, नेवेसांग, मेरे दोस्त, मेरे जाने जिगर, सॉरी यार, आज मेरी तबीयत नहीं ठीक थी ना, तो इसीलिए मैं कॉलेज नहीं गया। उसने कहा, और वो लान वांगजी कॉलेज आया है कि नहीं? मुझसे तो शायद ही वो अब कभी बात करे। ऑलरेडी वो वांगजी को किस करने के लिए एम्बेरस्ड फील कर रहा था। वेंग बोला, वांगजी, वो मैं उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल पा रहे थे। तभी वांगजी बोला, वेंग, क्या कल तुम कॉलेज आओगे? मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। ये सुनते ही वेंग की तो जान हलक में ही अटक गई। वेंग बोला, वांगजी, वो मैं। तभी वांगजी बोला, मुझे लॉकर रूम में जो कल हमारे बीच में हुआ था उसके बारे में कुछ बात करनी है। वेंग ने कॉल काट दी, क्योंकि अगर कॉल थोड़ी देर और चलती तो पक्का वेंग बेहोश हो जाता, पर वो जानता था कि इस बात से वो पीछे नहीं हट सकता है। तभी उसके फ़ोन पर मैसेज आता है जिसमें वांगजी ने उसको लिखा था कि कल उसको कितने बजे कहाँ मिलना है। आज रात तो वेंग की आंखों से मानो नींद गायब सी हो गई। सुबह होते ही वो जल्दी से तैयार हो गया और जाने ही वाला था कि तभी यानली बोली, आशियान, तुम कॉलेज जा रहे हो? पर तुम्हारी तो फीवर था ना। वेंग बोला, शिजी, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मैं आपसे घर आकर बात करूँगा। ये कहकर वेंग जल्दी से कॉलेज के लिए निकल गया। आज सोंगलैन वेंग के साथ नहीं था। तभी वेंग के पास मैसेज आया, यंग मास्टर, मैं आज आपके साथ नहीं हूँ, प्लीज़ आप अपना ख्याल रखिएगा। वेंग खुश था, क्योंकि आज उसे रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं था। वेंग बहुत घबरा रहा था कि आखिरकार वांगजी उससे क्या कहेगा। वेंग का दिल तेज तेज धड़क रहा था। वो क्लास में पहुँचने ही वाला था कि तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट करने लगा। वो कॉल वांगजी की थी। वेंग ने कहा, वांगजी, हेलो, तुमने अभी मुझे कॉल किया है? तो वांगजी बोला, वेंग, तुम स्विमिंग पूल एरिना के पास आ जाओ। वेंग ये सुनकर चौंक गया। वो ये सोचता है कि आखिरकार वांगजी और किस चीज़ में माहिर था। वेंग ने कहा, ओके, मैं बस अभी 10 मिनट में आया। बचपन से ही वेंग को पानी से डर लगता था और स्विमिंग पूल से भी। वेंग जब वहाँ पहुँचा तो वांगजी और 2-3 लड़के स्विमिंग पूल में प्रैक्टिस कर रहे थे। वेंग की नज़र वांगजी पर से हट ही नहीं पा रही थी। वांगजी ने उसे देख लिया था। वो पूल से बाहर आकर सीधा वेंग के पास पहुँच गया। अपने सामने भीगे हुए वांगजी को देखकर वेंग ने अपनी नज़रें दूसरी तरफ घुमा ली। तभी वांगजी वेंग के बिल्कुल नज़दीक गया और बोला, वेंग, क्या तुम्हें याद है कल तुमने क्या किया था मेरे साथ? वेंग
वांगजी के हेयर से पानी की बूंदें वेंग के चेहरे पर गिर रही थी। वेंग बोला, हो मैं। तभी वांगजी ने उसका हाथ पकड़ा और वो उसे स्विमिंग पूल की तरफ ले जाने लगा। थोड़ी दूर पर पहुँचते ही वेंग अचानक से रुक गया। वो बोला, वांगजी ओ मुझे स्विमिंग पूल से डर लगता है। ये सुनकर वांगजी ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम यहीं बैठो और मेरी प्रैक्टिस देखो। वेंग वांगजी को स्विमिंग करते हुए देख रहा था और वो काफ़ी खुश भी था। तभी वेंग की नज़र एक बिल्ली के बच्चे पर गई। न जाने वो बिल्ली का बच्चा वहाँ कैसे पहुँच गया था। वो किटन बहुत ही क्यूट सा था और पूल के बिल्कुल किनारे पर था। ये देखकर वेंग डर गया। उसे डर था कि कहीं वो किटन पानी में न गिर जाए। उसे बचाने के चक्कर में वेंग ने ध्यान नहीं दिया कि वो भी बिल्कुल किनारे पर पहुँच चुका है। जब वेंग का ध्यान उस किटन पर था, तभी न जाने किसी ने वेंग को स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया। वेंग बुरी तरह से चीखने लगा। वो हाथ पैर मार रहा था, उसे तैरना नहीं आता था। उसकी चीख वांगजी के कानों में पड़ी। वांगजी तुरंत उसकी ओर भाग कर गया। वेंग पानी के अंदर चला गया था, पर तभी वांगजी ने फिर से स्विमिंग पूल में जंप लगा दी और वेंग को अपनी बाहों में थाम लिया। वेंग को सांस नहीं आ रही थी। ये देखकर वांगजी बेहद घबरा गया। उसने तुरंत वेंग के लिप्स पर किस किया। ये एक तरीके से माउथ टू माउथ ऑक्सीजन दी जा रही थी, पर वेंग तो आंखें ही नहीं खोल रहा था। देखते देखते वहाँ भीड़ लग गई। वांगजी ने वेंग को ज़मीन पर लिटाया और उसे माउथ टू माउथ ऑक्सीजन देने लगा। 2-3 मिनट बाद वेंग के मुंह से पानी निकला और फाइनली उसकी सांस वापस आ गई और उसने आंखें खोली। वेंग को अपने सामने होश में आया देखकर न जाने वांगजी को क्या हुआ, उसने वेंग को कस के अपने गले से लगा लिया और बोला, वेंग तुम ठीक तो हो ना? मैं बहुत डर गया था कि तुम्हें आखिरकार क्या हो गया था, तुम पानी में कैसे गिर गए? पर वेंग तो वांगजी के बाहों में खो सा गया था, कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। वेंग सांस नहीं ले पा रहा था। वांगजी उसे देखकर बहुत डर गया था। वो तुरंत वेंग को माउथ टू माउथ ऑक्सीजन देने लगा। वांगजी वेंग के हाथ को भी रब करता जा रहा था। कुछ देर बाद वेंग को सांस आई और उसने अपनी आंखें खोली। वांगजी ने वेंग को होश में आया देखकर तुरंत ही अपने गले से उसे लगा लिया। उसने कहा, वेंग तुम ठीक तो हो ना? पर वेंग ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाया और वांगजी की बाहों में बेहोश हो गया। वांगजी ने कहा, वेंग, पर वेंग के जवाब ना देने पर वो तुरंत उसे कॉलेज में जो डॉक्टर थे उनके पास लेकर गया। उसने जल्दी से वेंग को बेड पर लिटा दिया और डॉक्टर से कहा, डॉक्टर प्लीज़ देखिए ना, ये मेरा क्लासमेट है, ये स्विमिंग पूल में गिर गया था और होश में तो आया पर फिर से बेहोश हो गया। डॉक्टर ने तुरंत वेंग की नब्ज चेक करी और हार्ट बीट भी। वांगजी बहुत ज़्यादा डरा हुआ और घबराया हुआ था। तभी डॉक्टर बोले, स्टूडेंट डोंट वरी, तुम्हारा क्लासमेट ठीक है, ज़्यादा एक्सर्शन की वजह से और हो भी सकता है कि कोई ट्रॉमा हो इसे, ये बेहोश हो गया है, कुछ देर में होश में आ जाएगा, परेशान मत हो। इधर वेंग की पैंट की पॉकेट में फ़ोन वाइब्रेट करता जा रहा था। वांगजी ने उसे निकाला और स्विच ऑफ करके रख दिया। लगभग 1 घंटे बाद वेंग को होश आया। पहले तो वो समझ ही नहीं पाया कि वो है कहाँ। तभी उसने देखा कि थोड़ी दूर पर वांगजी एक चेयर पर बैठा हुआ था। वांगजी को देखकर वेंग के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो तुरंत उठकर बैठने लगा। तभी वांगजी की आंख खुल गई और उसने वेंग को देख लिया। वो जल्दी से वेंग के पास आया और उसे बोला, तुम लेट जाओ, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। वो बोला, वे भूषण तुम ठीक तो हो ना? तुम पानी में क्यों कूदे जब तुमको तैरना नहीं आता था? तुम्हें कुछ हो जाता तो? तभी वेंग ने वांगजी का हाथ पकड़ा और कहा, वांगजी क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है? ये सुनकर वांगजी ने दूसरी तरफ अपना चेहरा घुमा लिया और कहा, वेंग तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। तभी वेंग ने वांगजी का हाथ पकड़ा और कहा, वांगजी थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए, अगर आज तुम ना होते तो शायद मैं इस दुनिया में ना बचता। ये सुनकर वांगजी को झटका सा लगा, क्योंकि हकीकत में तो वांगजी जियांग फैमिली और वेंग से अपनी फैमिली का बदला लेना चाहता था, पर वेंग उसी को थैंक यू बोल रहा था। वेंग कहता है, वांगजी। तभी वह वांगजी के गाल पर अपना हाथ रखता है और कहता है, वांगजी क्या हुआ, तुम कहाँ खो गए, क्या सोच रहे हो?
वांगजी एकदम से अपने होश में आया और बोला, कुछ नहीं। वो वेइंग का हाथ अपने गाल से हटाता है और कहता है, वेइंग अब मुझे जाना होगा। अब तुम पहले से बेटर फील कर रहे हो और वैसे भी आई थिंक तुम्हारे बॉडीगार्ड्स को अब तक तुम्हारे बारे में पता चल चुका होगा और वो तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुँचने ही वाले होंगे। ये कहकर वांग जी पीछे मुड़कर वहाँ से जाने लगता है। तभी वेइंग उसका हाथ पकड़ लेता है। वेइंग कहता है, वांग जी आई रियली लाइक यू, मेरा मतलब है आई रियली लव यू। पता नहीं मुझे तुमसे कब प्यार हुआ, पर मैंने कल तुम्हें जो किस किया था वो मेरी फीलिंग्स थी तुम्हारे लिए। आई नो कि तुम मुझे। तभी वांग जी उसकी ओर मुड़ा और बोला, वेवुशियन तुम किन ख्यालों में खोए हुए हो, मेरे लिए वो किस कोई मैटर नहीं करता है, तुम मुझसे दूर रहो वही तुम्हारे लिए बेहतर है। और हाँ, आज के लिए तुम्हें मुझे थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे लिए कोई स्पेशल नहीं हो, तुम्हारी जगह कोई और भी होता ना तो मैं उसकी भी मदद कर देता। वेइंग वांग जी के वर्ड्स से बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था, उसकी आंखें भर आई थी, पर उसने अपने आंसुओं को बाहर नहीं आने दिया। उसने वांग जी की ओर स्माइल करते हुए देखा और कहा, वांग जी मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं चाहकर भी तुमसे दूर नहीं रह सकता, मैं तुम्हारा वेट करूँगा जब तुम मेरे प्यार का एहसास करोगे। तभी वांग जी बोला, वेवुशियन तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने अभी क्या कहा है, कि तुम मेरे लिए कोई स्पेशल नहीं हो और वैसे भी मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वांग जी जब ये सारी बातें वेइंग से कह रहा होता है तब न जाने क्यों उसे बहुत तकलीफ हो रही थी, मानो जैसे कि वो कहना कुछ और चाहता हो और कह कुछ और रहा हो। उसके दिल और दिमाग में बहुत उलझने थी। तभी उसने झटके से वेइंग का हाथ अपने से अलग किया और कहा, वेवुशियन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ये कहकर वांग जी वहाँ से चला गया। वेइंग का दिल टूट गया था। पहली बार उसने किसी से दिल से प्यार किया, पहली बार उसने किसी को इतना माना और वो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया। ये सारी बातें सोचते सोचते वेइंग ने अपना चेहरा अपने हाथ से छुपा लिया और वो रोने लगा। उसकी सांसें अटक रही थी, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, क्या वो एक सपना देख रहा है। कभी ना रोने वाला वेइंग, हमेशा मुस्कुराने वाला वेइंग, हंसी मजाक करने वाला वेइंग आज किसी के लिए इतना रो रहा था। उसकी हंसी, उसकी खुशी सब चली गई थी। तभी वहाँ सोंगलैन आ गया और जब उसने वेइंग को रोते हुए देखा तो उससे रहा ना गया और उसने तुरंत वेइंग को अपने गले से लगा लिया और कहा, यंग मास्टर आपको क्या हुआ है, आप इतना क्यों रो रहे हो, मैंने आपके फ़ोन पर कितनी बार ट्राई किया, मुझे साथी बॉडीगार्ड्स ने बताया कि आप कहीं मिल नहीं रहे हो, मैं तो बहुत डर गया था। पर वेइंग ने सोंगलैन से कुछ भी नहीं कहा, वो रोता ही चला जा रहा था। इधर वांग जी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, पर वेइंग पर नहीं, उस पर्सन पर जिसने वेइंग को पानी में धक्का दिया था। उसे तुरंत कॉल मिलाई और कहा, मैंग याओ कहाँ हो तुम, मुझे अभी तुमसे मिलना है। मैंग याओ वांग जी के फ्लैट के बाहर ही खड़ा हुआ था। उसने जैसे ही वांग जी को देखा और कुछ बोलना चाहा तो तुरंत वांग जी ने उसके फेस पर 3-4 पंच कर दिए। मैंग याओ के मुँह से ब्लड आने लगा। तभी वांग जी ने उसका कॉलर पकड़ा और कहा, मैंग याओ मैंने तुम्हें वार्न किया था ना कि वेइंग से दूर रहना, और फिर तुमने आज ऐसा काम कर दिया, क्यों तुमने उसे पानी में धक्का दिया। पहले तो मैंग याओ कुछ बोला नहीं, फिर वो ईवल हंसी हंसने लगा। वांग जी को मैंग याओ का बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था, उसने आज से पहले उसे इस तरह से कभी नहीं देखा था। वांग जी ने कहा, मैंग याओ तुम पागल हो गए हो क्या, ऐसे पागलों के जैसे हंस रहे हो, मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ और तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं है उस बात का। ये सुनकर मैंग याओ बोला, लान फैमिली का छोटा बेटा जो अपने भाई और अंकल का बदला लेने के लिए अमेरिका से यहाँ आ गया, लगता है अब वो अपनी फीलिंग्स के चक्कर में अपना रिवेंज भूल चुका है। ये सुनकर वांग जी को और ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने कहा, मैंग याओ मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ। तभी मैंग याओ बोला, तो फिर तुम्हें आज इतना बुरा क्यों फील हो रहा है, अच्छा था ना अगर वो वेवुशियन आज मर जाता तो जियांग फेंगमियान अपने आप ही फिनिश हो जाता, पर लान वांग जी तुमने उस वेवुशियन को बचाकर पूरे प्लान पर पानी फेर दिया। अब तो वांग जी का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया। उसने मैंग याओ को मारने के लिए अपना हाथ उठाया,
पर वो पंच उसके फेस पर मारने की जगह वांगजी ने अपना हाथ दीवार पर मार दिया। वांगजी के हाथ से ब्लड आने लगा था। उसने मैंग्याओ से कहा, आज के बाद तू मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना और हाँ, वेवुशियान से दूर रहना। अगर तुमने उसके साथ कुछ भी गलत किया ना, तो वो दिन तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। ये कहकर वो मैंग्याओ को दीवार के सहारे पुश करके अपने घर के अंदर चला गया। वांगजी का दिल दिमाग बेहद परेशान था। उसके हाथ से ब्लड आ रहा था। वो सीधा बाथरूम में गया और वॉश बेसिन में अपने हाथों को साफ करने लगा। धीमे धीमे उसने अपने हाथ से ब्लड को साफ किया। तभी उसे वेंग का चेहरा याद आने लगता है कि कैसे वेंग उसे बोल रहा था कि वो उससे प्यार करता है। तभी वांगजी के हाथ में बहुत तेज़ पेन हुआ। उसने कहा, वांगजी, आज तुम्हारे कदम क्यों डगमगा रहे हैं? क्यों तुम अपने किए हुए फैसले से पीछे हट रहे हो? क्या तुम्हें जियांग फैमिली से बदला नहीं लेना है? तभी वांगजी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे वेंग का वो हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ चेहरा साफ साफ नज़र आ रहा था। वांगजी के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है, पर तभी वो अपनी आंखें खोलता है तो वेंग उसके आसपास कहीं भी नहीं था। वांगजी इस एहसास से डर रहा था कि उसे भी वेंग से प्यार हो चुका है, पर वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। वेंग अब पहले से काफ़ी शांत हो गया था, न किसी से ज़्यादा हंसना न बोलना। जियांग फेंगमियान भी वापस आ चुके थे। वेंग क्लास में ने वह सांग के साथ बैठा हुआ था। तभी उसने देखा कि वांगजी एक लड़की से बात कर रहा है। उस इंसिडेंट के बाद से वांगजी वेंग से कटा कटा सा रहने लगा था। वेंग को यह अच्छा नहीं लगता था और आज वांगजी को किसी लड़की के साथ देखकर उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा फील हो रहा था। निवासांग बोला, वेशियोंग, तुम ठीक तो हो ना? पिछले कुछ दिनों से मैंने ये नोटिस किया है कि तुम्हारा बिहेवियर काफ़ी चेंज हो गया है। पर वेंग ने उसकी बात का जवाब ना देकर वो अपनी सीट से उठा और वांगजी और उस लड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। वांगजी उस लड़की से बहुत अच्छे से बात कर रहा था। तभी वेंग बोला, लान वांगजी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पर वांगजी ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। वेंग अभी भी उसी के पास ही खड़ा रहा। तभी वांगजी उस लड़की को बोला, क्या मैं ये टॉपिक तुमको बाद में समझा दूँ? तो वो लड़की वांगजी की बात मानकर वहाँ से चली गई। वेंग ने कहा, वांगजी, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो वांगजी बोला, हाँ कहो, जो भी कहना है तुम्हें। वेंग ने कहा, वांगजी, मुझे मेरे और तुम्हारे बारे में कुछ पर्सनल बात करनी है। वांगजी बोला, वेवुशियान, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे तुमसे अपने और तुम्हारी पर्सनल लाइफ के बारे में कोई बात नहीं करनी है। जो हुआ था उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। तभी वेंग को न जाने क्या हुआ, उसे क्या फील हुआ, उसने सबके सामने वांगजी के लिप्स पर किस कर लिया। निवेशांग का तो मुंह खुला का खुला ही रह गया। सारे स्टूडेंट्स चौंक गए ये देखकर। वांगजी शॉक्ड हो गया था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। उसने गुस्से में वेंग के फेस पर एक थप्पड़ मार दिया। पूरी क्लास शॉक्ड थी ये सब देखकर। वांगजी ने अपना बैग उठाया और वहाँ से जाने लगा। तभी वेंग ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो रो रहा था। वांगजी ये देख लेता है। वो वेंग का हाथ पकड़ता है और उसे क्लास से बाहर लेकर निकल जाता है। जियांग फेंगमियान के वापस आने की वजह से अब सारे बॉडीगार्ड्स उसी के साथ रहते थे और वेंग ने भी किसी सिक्योरिटी के लिए मना कर दिया था, क्योंकि ये उसका कॉलेज था, यहाँ उसे क्या खतरा हो सकता था। वांगजी वेंग का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लिए जा रहा था। वो अपने लॉकर रूम में गया और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। वांगजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने वेंग को दीवार के सहारे पुश कर दिया और कहा, वेंग, आखिरकार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है और आज ये तुमने क्या किया है? वेंग के आंसू बह रहे थे और रोते रोते उसने कहा, वांगजी, क्या तुम्हें मेरी फीलिंग्स नज़र नहीं आती हैं? तुम सबसे अच्छे से बात करते हो, पर मैंने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उस दिन से जब से मैंने तुमसे अपनी फीलिंग्स का इजहार किया है, जब से मैंने तुम्हें बताया है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, उस दिन से तुम मुझे इग्नोर करते हो, मेरी तरफ देखते भी नहीं हो। क्या मैं इतना बुरा हूँ? वांगजी कुछ कहने वाला था पर
बार वेइंग बोला, हाँ मुझे पता है तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुमसे दूर रहूं, पर वांग जी मैं नहीं रह सकता तुमसे दूर। तुम उस लड़की से अच्छे से बात कर रहे थे तो मुझे जेलस फील नहीं होता। मुझे बहुत बुरा लग रहा था, मुझे बहुत जेलस फील हो रहा था, मुझे बिल्कुल भी ये अच्छा नहीं लगा। वेइंग को रोते हुए देखकर वांग जी का गुस्सा अपने आप शांत होने लगा। तभी वेइंग ने वांग जी को अपने गले से लगा लिया। वांग जी उसे अपने से दूर करना चाह रहा था, पर वेइंग ने कहा, प्लीज़ वांग जी मुझे खुद से दूर मत करो, तुम मेरा पहला प्यार हो। वो किस, मेरा पहला किस था। वेइंग ने वांग जी को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया और कहा, वांग जी जब मुझे पहली बार यह एहसास हुआ कि मुझे तुमसे प्यार हो चुका है तो मुझे लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं एक लड़के से कैसे प्यार कर सकता हूँ। पर उस दिन जब मैंने तुम्हें किस किया और फिर तुमने मेरी जान बचाई तो मैं समझ गया कि ये प्यार ही है। वांग जी के दिल दिमाग में कश्मकश चल रही थी, पर वेइंग का प्यार उसके ऊपर भारी पड़ने लगा था। वो बोला, वेइंग। तभी वेइंग वांग जी के लिप्स पर किस करने लगा। आखिरकार वांग जी को वेइंग के आगे हार माननी ही पड़ी। जिस प्यार से, जिस फीलिंग से वो भाग रहा था, वो वांग जी को एक्सेप्ट करनी ही पड़ी। वांग जी ने वेइंग की कमर को टाइटली पकड़ा और उसके लिप्स को सक करने लगा। वेइंग के आंसू बह रहे थे और वो भी वांग जी को पैशनेटली किस कर रहा था। तभी वांग जी ने वेइंग की शर्ट के बटन्स को ओपन किया और वो उसके नेक को लिक करने लगा। वेइंग हैवीली मोन करने लगा था, पर उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि उस रूम के बाहर आवाज़ न चली जाए। तभी वांग जी वेइंग को किस करते करते रुक गया और वो वेइंग से दूर होने लगा। वेइंग बोला, वांग जी क्या हुआ। तभी वांग जी बोला, ये सही नहीं है, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता, मेरा तुम्हारे साथ रहना ठीक नहीं है। वेइंग का दिल बैठ गया ये सब सुनकर। उसने वांग जी को अपनी बाहों में फिर से भर लिया और कहा, वांग जी प्लीज़ मुझे खुद से दूर मत करो। और वो वांग जी के लिप्स पर किस करने लगता है। वांग जी भी अब खुद को और नहीं रोक पा रहा था, वो भी वेइंग को किस पैक करने लगता है। तभी लॉकर रूम के डोर पर कोई नॉक करता है तो वांग जी चौंक जाता है। वो वेइंग का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ वहाँ से लेकर कॉलेज के बाहर जाने लगता है। जब वो बाइक से निकल ही रहे थे कि तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था, आसमान में काले काले बादल थे। वेइंग ने वांग जी की कमर को कसकर पकड़ रखा था। वो दोनों पूरी तरह से भीग जाते हैं और वेइंग का मेंशन वांग जी के घर से काफ़ी दूर था, इसलिए उन दोनों ने वांग जी के घर जाने का डिसाइड किया। वांग जी को एहसास हो चुका था कि वो भी वेइंग से प्यार करने लगा है। वेइंग जो कि एक माफिया का बेटा था, उसके लिए वांग जी के साथ बारिश में भीगना, उसके इतना नज़दीक होना, वांग जी को टच करना, ये ऐसे एहसास थे जो उसकी ज़िंदगी में पहली बार हुए थे। पर वो अब खुद को वांग जी से एक पल के लिए भी दूर नहीं कर सकता था। लॉकर रूम में वेइंग और वांग जी एक दूसरे को किस कर रहे थे, तभी डोर पर किसी ने नॉक किया। ये देखकर वो दोनों चौंक जाते हैं। तभी वांग जी जल्दी से वेइंग का हाथ पकड़े कॉलेज से बाहर निकलने लगता है। अचानक से जोरों की बारिश स्टार्ट हो जाती है। वांग जी और वेइंग एक दूसरे के साथ मोटरसाइकिल पर थे। वेइंग ने वांग जी की कमर को टाइटली पकड़ रखा था और उसने अपना सर वांग जी की पीठ पर रखा हुआ था। वांग जी इस पीठ में मोटरसाइकिल चला रहा था ताकि वो लोग ज्यादा ना भीगे, पर बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो दोनों पूरी तरह से बारिश में भीग जाते हैं। ऐसा पहली बार हुआ था कि वेइंग किसी के साथ मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ था, आज़ादी की ज़िंदगी जी रहा था। जियांग मेंशन के दूर होने की वजह से वेइंग को वांग जी के साथ उसके घर जाना पड़ा। वांग जी के दिल में न जाने कितने इमोशन एक साथ चल रहे थे। क्या वो ये सही कर रहा था वेइंग को अपने घर ले जाकर। तभी अचानक से वांग जी ने बाइक का ब्रेक लगा दिया। वेइंग चौंक गया। उसने कहा, वांग जी तुम ठीक तो हो ना, क्या हुआ। वांग जी ने वेइंग के हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा, मैं ठीक हूँ वेइंग। वांग जी फ्लैट में रहता था। आज से पहले वो कभी भी किसी को अपने साथ घर नहीं लेकर गया था।
मोटरबाइक को स्टैंड पर खड़ा करके वांग जी वेंग का हाथ पकड़े पकड़े अपने फ्लैट की तरफ जाने लगा। तभी उसका नेबर बाहर निकला तो उसने उन दोनों को एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए देख लिया। वेंग तो अपना हाथ छुड़ाना चाह रहा था पर वांग जी ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। वांग जी बिना किसी से कुछ बोले अपने डोर को ओपन करता है, उसका पासवर्ड डालता है और वेंग को अपने साथ लेकर अंदर चला गया। उसका जो नेबर था वो चौंक गया क्योंकि वांग जी ने पहली बार किया था कि वो किसी को अपने साथ घर लाया हो। भीगने की वजह से वेंग कांप रहा था, उसे बहुत ठंड लग रही थी। तभी वांग जी ने उसे एक कपड़े का सेट दिया और कहा, वेंग अपने कपड़े चेंज कर लो जाकर। वेंग का फेस रेड हो गया था, वो कपड़े लेकर खड़ा रहा और वांग जी भी वहीं उसके सामने खड़ा था। तभी वेंग बोला, वांग जी क्या मैं यहीं पर कपड़े चेंज करूं? तो वांग जी बोला, ओह सॉरी, तुम मेरे रूम में जाकर अपने कपड़े चेंज कर लो और मुझे अपने वेट क्लोथ्स दे देना, मैं उन्हें वॉशिंग मशीन में क्लीन करके ड्राई कर दूंगा। वेंग बोला, लेकिन वांग जी तुम कहाँ? वांग जी ने कहा, तुम मेरी टेंशन मत लो। वेंग जब वांग जी के बेडरूम में गया तो वो अंदर का सीन देखकर चौंक गया क्योंकि वांग जी का रूम बिल्कुल नीट एंड क्लीन था और रूम में एक भीनी भीनी सी महक आ रही थी। वेंग रूम के चारों तरफ देख रहा था तभी उसे एक शेल्फ में फ़ोटो फ्रेम दिखता है जिसमें शायद वांग जी और उसकी फैमिली की फ़ोटो थी। वेंग कहता है, नहीं वेंग तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम बिना पूछे वांग जी के रूम में उसकी चीज़ों को टच नहीं कर सकते हो और ये सही नहीं है। वेंग ने अपने कपड़े चेंज किए और वांग जी ने जो कपड़े दिए थे उन्हें पहन लिया। वो बहुत खुश था वांग जी के घर पर आकर और वांग जी के कपड़े पहनकर। इधर वांग जी ने भी अपने क्लोथ्स चेंज कर लिए थे और वो किचन में खड़ा अपने और वेंग के लिए कॉफ़ी बना रहा था। तभी अचानक से उसे न जाने क्या सूझा, वो हॉट चॉकलेट बनाने लगा। वांग जी सोचता है, अगर अंकल को पता चल गया कि मैं जियांग फेंग मियान के बेटे को अपने साथ घर लेकर आया हूँ तो अंकल तो मुझसे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होंगे, तो क्या मैं अंकल से इस पर कुछ भी ना कहूँ, उनसे झूठ बोल दूँ? वांग जी अपने ख्यालों में खोया हुआ था तभी अचानक से वेंग उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वेंग को अपने सामने देख कर वांग जी चौंक गया। वेंग ने कहा, सॉरी वांग जी वो मैं। तभी वांग जी बोला, इट्स ओके, और वो वेंग के हाथ में हॉट चॉकलेट का एक गिलास दे देता है। वेंग उसे देखकर बहुत खुश था, वो कहता है, वांग जी तुम्हें कैसे पता कि मुझे हॉट चॉकलेट बहुत पसंद है? वांग जी ने कहा, बस ऐसे ही। वो दोनों सोफा पर बैठे हुए थे और टीवी चल रहा था, पर टीवी की तरफ किसका ध्यान था? दोनों के ही दिल में बहुत सारी बातें चल रही थी। तभी वेंग बोला, वांग जी क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो? मेरा मतलब तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? वांग जी कुछ देर चुप रहा फिर बोला, मेरी फैमिली में मेरे अंकल और एक बड़े भाई हैं, और मेरे अंकल ही हैं क्योंकि मेरे मॉम डैड अब इस दुनिया में नहीं हैं, पर मेरे अंकल और भाई दोनों ही अमेरिका में रहते हैं। ये सुनकर वेंग चौंक गया और बोला, क्या अमेरिका में? OMG व्हाट अ कोइंसिडेंस, मैं भी 2 साल पहले अमेरिका से वापस आया हूँ यहाँ पर। न जाने क्यों वांग जी को एक अजीब सा एहसास हुआ ये सुनकर। वेंग और भी क्वेश्चंस पूछना चाहता था तभी वांग जी बोला, वेंग जब बारिश रुक जाएगी तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ आऊँगा। हकीकत में सच तो ये था कि वांग जी वेंग की खूबसूरती को देखकर खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, वो उसे बहुत प्यार करने लगा था। वांग जी वेंग से ये बोलकर सोफा पर से उठने लगा। तभी वेंग ने वांग जी का हाथ पकड़ लिया। वेंग के एक टच ने वांग जी की पूरी बॉडी में सिरहंसी पैदा कर दी। वेंग बोला, वांग जी क्या तुम मुझसे नाराज़ हो जो मैंने तुम्हें सबके सामने किस कर लिया? आई एम सॉरी वांग जी वो मैं। तभी वांग जी ने वेंग को सोफ़ा पर नीचे की तरफ पुश कर दिया और वो वेंग के ऊपर आ गया। वेंग वांग जी को ऐसे देखकर शौक किया। वांग जी वेंग की आंखों में देखता जा रहा था, एक पल के लिए भी नज़रें हटा ही नहीं रहा था। वेंग ने अपनी नज़रें हटाते हुए कहा, वांग जी तुम। तभी वांग जी ने वेंग का चेहरा अपनी तरफ किया और कहा, वेंग तुम ना बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। वेंग बहुत ज़्यादा शाई फील करने लगता है।
तभी वांगजी ने वेंग के उस गाल पर किस किया जहां उसने उसे थप्पड़ मारा था। वांगजी ने कहा, वेंग आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें सबके सामने थप्पड़ मार दिया था। वेंग वांगजी को सॉरी बोलते हुए देखकर चौंक गया। उसने कहा, वांगजी तुम मुझे सॉरी क्यों कह रहे हो, गलती तो मेरी थी ना, मैंने ऐसे नहीं करना चाहिए था किसी के सामने। वांगजी ने वेंग के लिप्स पर किस किया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, वेंग मुझे सच में नहीं पता कि मुझे तुमसे कैसे इतना प्यार हो गया, मैं तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं तुमसे प्यार भी करूँगा, सॉरी मेरे रूड बिहेवियर के लिए। उस दिन जब मैंने तुमसे कहा था कि वो किस मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता था और ये भी कि तुम मेरे लिए स्पेशल नहीं हो, पर ये सब कहते वक्त दिल में मुझे बहुत बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। उस दिन जब तुम स्विमिंग पूल में गिर गए थे तब मुझे ऐसा लगा कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो वेंग मेरा क्या होगा। वेंग की आंखें भर आई थी, सेम यही हाल वांगजी का भी था। वांगजी बोला, वेंग तुम कभी मुझे हेट तो नहीं करोगे ना। मैं तभी वेंग ने वांगजी के आंसुओं को पोंछा और कहा, वांगजी प्लीज मत रो। वांगजी वेंग के हाथ पर किस करता है और कहता है, वेंग मैं अपनी फीलिंग्स अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ, पर मैं तुमसे आज अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। हो सकता है कि वैसा ना हो जैसा तुमने सोचा हो। वेंग कहता है, वांगजी तुम जो भी मुझसे कहोगे मैं उसे सुनूंगा। वेंग के दिल की धड़कनें तेज़ हो गई थी। वांगजी ने वेंग को अपने गले से लगाते हुए कहा, वेंग आई लव यू। ये कहते ही वांगजी का फेस रेड हो गया। ये तीन वर्ड्स कहना उसके लिए कितना डिफिकल्ट था ये सिर्फ वांगजी को ही पता था। तभी वेंग ने वांगजी को अपनी ओर खींचा और वो वांगजी के लिप्स पर किस करने लगा। वांगजी भी वेंग को किस करने लगता है। वो दोनों अपनी टंग को एक दूसरे के मुंह के अंदर इंसर्ट करके पैशनेटली किस करने लगते हैं। तभी वांगजी वेंग की शर्ट के बटन्स को ओपन करने लगता है, पर वो अचानक से रुक गया। वेंग अभी भी वांगजी को किस करता जा रहा था। तभी वांगजी बोला, वेंग आई थिंक हमें यहीं रुक जाना चाहिए। वेंग जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका था, वो वांगजी को अपनी तरफ पुल करते हुए कहता है, वांगजी प्लीज़ प्लीज़ मुझे ऐसे हाल में मत छोड़ो, मुझे तुम चाहिए। वांगजी बोला, वेंग मेरे पास। वांगजी बहुत शाय फील कर रहा था। वेंग ने कहा, बोलो ना वांगजी क्या बात है। वांगजी बोला, वेंग मेरे पास ऐसा प्रोटेक्शन कॉन्डम नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट नहीं हो सकता। वेंग बोला, वांगजी प्लीज़। वांगजी बोला, ओके तुम वेट करो, मैं मेडिकल स्टोर से कॉन्डम लेकर आता हूँ। वेंग और वांगजी दोनों ही बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहे थे, पर वो दोनों एक दूसरे से दूर भी नहीं रह पा रहे थे। वांगजी चला गया था और वेंग सोफा पर बैठा हुआ उसका वेट कर रहा था। वो खुद से कहता है, वे वुशियन तुम्हें क्या हो गया है, तुमने वांगजी से कॉन्डम मंगा तो लिया, पर क्या तुम उस पेन को झेलने के लिए रेडी हो जो फर्स्ट टाइम इंटीमेट होने पर होता है। वेंग की तुम्हारा पहली बार है ना, तुम्हें पता है ना अच्छे से ये बात, कहीं तुम्हें। तभी डोर ओपन होने की आवाज़ आई। वेंग की धड़कन एकदम से बहुत तेज़ हो गई, उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी वांगजी की तरफ देखने की भी। तभी वांगजी वेंग के पास आया और बोला, वेंग अब मैं खुद को और कंट्रोल नहीं कर सकता। ये कहते ही वांगजी वेंग को अपने गोद में उठाकर सीधा अपने बेडरूम में चला जाता है। वेंग ने तो शर्म के मारे अपनी आंखें ही बंद कर ली थी, अपना चेहरा छुपा लिया था वेंग ने। वांगजी ने वेंग को बेड पर लिटा दिया और उसके पास जाकर बोला, वेंग प्लीज़ अनड्रेस मी। ये सुनते ही वेंग का फेस बिल्कुल लाल टमाटर की तरह हो गया। वो बोला, वेंग ये तुम क्या कह रहे हो। तभी वांगजी वेंग को बेड से उठाता है और उसके लिप्स पर डीपली पैशनेटली किस करने लगता है। उन दोनों की टंग आपस में इंटरवाइन हो रही थी। तभी वांगजी ने धीरे से वेंग से कहा, वेंग मेरी शर्ट को ओपन करो। पर वेंग तो शर्म के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। तभी वांगजी ने कहा, प्लीज़ वेंग मेरी शर्ट ओपन करो। वेंग वांगजी की तरफ देखने लगा। उसने कांपते हुए हाथों से वेंग की शर्ट के बटन्स को धीरे धीरे ओपन करना शुरू किया और वांगजी
विंग के लिप्स पर किस करते करते विंग की शर्ट के अंदर अपने हाथ इंसर्ट कर देता है और विंग की पीठ को धीरे धीरे सहला रहा था। विंग और वांगजी दोनों की पूरी बॉडी हॉट हो चुकी थी। तभी विंग ने धीरे से वांगजी की शर्ट को निकाल दिया। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी वांगजी की ओर देखने तक की भी। तभी वांगजी ने उसका हाथ अपने चेस्ट पर रखा और धीरे धीरे विंग के हाथ को नीचे की तरफ ले जाने लगा। विंग की सांसें हैवी हो गई थी। वांगजी ने कहा, विंग मुझे महसूस करो, मेरी बॉडी को महसूस करो, मेरा दिल, इसकी धड़कन देखो कितनी तेज चल रही है। तभी विंग का हाथ वांगजी के उस बॉडी पार्ट को टच कर लेता है। वो फीलिंग ऐसी थी कि विंग अचानक से चौंक गया। वो अपना हाथ हटाना चाहता था पर वांगजी ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। वांगजी विंग को बेड पर लिटा देता है और फिर वो उसकी शर्ट को ओपन करके विंग की पूरी बॉडी पर हॉट एंड वेट किसेस करने लगता है। विंग मौन कर रहा था। धीरे धीरे वो दोनों पूरी तरह से नेकेड हो जाते हैं। वांगजी विंग की नेक को लिक करने लगता है और अपने एक हाथ से विंग की पूरी बॉडी को सहलाने लगता है। विंग ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वो वांगजी के हर एक किस और टच को महसूस कर रहा था। वांगजी विंग की पूरी बॉडी को लिक करता है और फिर विंग के चेस्ट पर बाइट कर लेता है। विंग की तो आह से निकल जाती है। तभी विंग वांगजी को नीचे बेड पर पुश करता है और फिर वो वांगजी के लिप्स को सक करने लगता है। वो अपने हाथ से वांगजी की बॉडी को रब कर रहा था। वांगजी को बहुत अच्छा महसूस होने लगता है। तभी अचानक से विंग का हाथ वांगजी के उस बॉडी पार्ट को टच कर जाता है जिससे वांगजी की आँख खुल गई। वो विंग को अपनी तरफ खींचता है और उसके लिप्स को सेडक्टिवली किस करने लगता है। तभी वांगजी धीरे से विंग के कान के पास जाकर कहता है, विंग आई लव यू। ये सुनते ही विंग अपना सर वांगजी के सीने पर रख लेता है। वो कहता है, वांगजी आई लव यू सो मच, प्लीज़ मुझे खुद से कभी भी दूर मत करना। वांगजी विंग को अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है, विंग तुम पहले शख्स हो जो मेरे घर और मेरे बेडरूम तक आया है, तो मेरे लिए बहुत स्पेशल हो विंग। तभी विंग कहता है, वांगजी प्लीज़ लव मी। वांगजी विंग को बेड पर नीचे लिटाता है और उसके ऊपर आकर विंग को अपनी बाहों में भर कर वो विंग को डीपली किस करने लगता है। विंग भी वांगजी को पैशनेटली किस कर रहा था और उसने अपने लेग्स वांगजी की कमर के अराउंड रैप कर लिए थे। वांगजी विंग की नेक पर किस करता है। विंग हैवीली मौन कर रहा था। उन दोनों की बॉडी आपस में रब हो रही थी। तभी वांगजी विंग के कान के पास जाकर कहता है, विंग तुम बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रहे हो, तुम्हारी बॉडी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और तुमसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये सुनते ही विंग की बॉडी में एक सिरहन सी हो गई। उन दोनों का लोअर बॉडी पार्ट अराउज्ड हो चुका था। वांगजी कहता है, विंग अगर तुम्हें ज़्यादा पेन होना तो मुझे बता देना। इसके बाद वांगजी अपनी ड्रॉअर से कॉन्डम निकालता है। विंग बहुत ज़्यादा घबरा रहा था क्योंकि ये उसका फर्स्ट टाइम था। वांगजी विंग को बहुत प्यार से देखता है और उसके लिप्स पर किस करने लगता है। तभी वो अपना लोअर बॉडी पार्ट विंग के अंदर इंसर्ट कर देता है। विंग को बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो वांगजी कहता है, विंग अगर तुम्हें पेन हो रहा है तो मैं रुक जाऊँगा। तभी विंग उसे अपनी बाहों में भर कर वांगजी से कहता है, वांगजी प्लीज़ लव मी, मुझे छोड़कर मत जाओ। दर्द की वजह से विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वांगजी विंग की आंखों पर किस करता है। धीरे धीरे पेन प्यार भरे एहसास में बदल जाता है। वांगजी कहता है, विंग मेरी तरफ देखो। ये सुनते ही विंग वांगजी की तरफ देखने लगता है। वांगजी विंग के माउथ के अंदर अपनी टंग को इंसर्ट करके विंग को किस करने लगता है। धीरे धीरे वांगजी के बॉडी मूवमेंट्स तेज होने लगते हैं। विंग की सांसें हैवी हो गई थी और उन दोनों की ही बॉडी पसीने से भर जाती है। वांगजी विंग को अपनी लैप में बैठा लेता है और अपना वो लोअर बॉडी पार्ट विंग के अंदर इंसर्ट करने लगता है। विंग अपनी नेक को पीछे कर लेता है और वांगजी उसकी नेक को बहुत ज़्यादा किस कर रहा था। एक दूसरे की बाहों में एक दूसरे को प्यार करते करते वांगजी और विंग का रिलीज हो जाता है। काफ़ी देर तक वो दोनों एक दूसरे की बाहों में उसी पोजिशन में बैठे रहते हैं। फिर वो बेड पर लेट जाते हैं। विंग वांगजी की बाहों में सर रख कर लेटा हुआ था। उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। तभी अचानक से विंग ने खिड़की की तरफ देखा और कहा, क्या शाम का 6 बज गया। वो जल्दी से अपना फ़ोन ढूंढने लगता है। उसकी शीजे की 10 मिस्ड कॉल्स पड़ी हुई थी। वांगजी कहता है, विंग क्या हुआ। विंग अपनी शीजे को जल्दी से कॉल मिलाता है।
कॉल रिसीव करने पर जियांग यानली कहती है, आशियान तुम कहाँ हो, मैंने कितना तुमको फ़ोन मिलाया। वेंग कहता है, शिजे आप रो क्यों रहे हो। जियांग यानली कहती है, आशियान डैड आईसीयू में है, उनको किसी ने गोली मार दी है। वेंग के तो हाथ से फ़ोन गिर गया और वो जल्दी से बेड से उठकर कपड़े पहनने लगा। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, वेंग बुरी तरह से रो रहा था। वांग जी ने जल्दी से उसको पकड़ा, कहा वेंग वेंग क्या हुआ। तभी वेंग वांग जी के गले लग जाता है और रोते रोते कहता है, वांग जी मेरे डैड को किसी ने गोली मार दी है, वो आईसीयू में है। ये सुनते ही वांग जी शॉक्ड हो गया, उसे लग रहा था क्या ये काम मैंग्याओ का है। वांग जी और वेंग बेड पर लेटे हुए थे, तभी वेंग की नज़र जैसे ही दीवार पर टंगी घड़ी पर पड़ी तो वह चौंक गया और बोला, ये क्या शाम का 6 बज गया और मुझे पता तक नहीं चला। उसे तुरंत अपना फ़ोन निकाला तो देखा कि जियांग यानली की 10 मिस्ड कॉल्स पड़ी हुई थी। उसे तुरंत अपने शिजे को कॉल मिलाया। जियांग यानली बहुत रो रही थी, उसने कहा, आशियान डैड को किसी ने गोली मार दी है, वो हॉस्पिटल में है। ये सुनकर वेंग के हाथ से फ़ोन गिर गया। वांग जी वेंग को ऐसे देखकर डर गया, उसने कहा, वेंग क्या हुआ। पर वेंग तो उसे कुछ कह ही नहीं पा रहा था। वेंग बेड से उतरा और जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनने लगा। तभी वांग जी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, वे हुशैन क्या बात है बताओ मुझे। वेंग ने कहा, वांग जी मेरे डैड को किसी ने गोली मार दी है और वो हॉस्पिटल में है, उनकी कंडीशन बहुत ख़राब है। वांग जी सुनकर चौंक गया, उसे लगा कि कहीं ये मैंग्याओ का काम तो नहीं है। वांग जी जानता था कि वेंग की कंडीशन अच्छी नहीं है। उसने कहा, वेंग रुको मैं तुम्हें हॉस्पिटल तक लेकर चलता हूँ। बारिश अब थम गई थी। वांग जी और वेंग साथ में ही हॉस्पिटल पहुँचे। वेंग भागते हुए अंदर जा रहा था। जियांग यानली ने जैसे ही वेंग को देखा तो वह दौड़कर उसके पास गई और बोली, आशियान डैड आईसीयू में है और सोंगलैन भी घायल है। तभी उसकी नज़र लान वांग जी पर गई। वो बोली, आशियान ये कौन है। वेंग बोला, शिजे ये वांग जी है मेरा। तभी वांग जी ने उसका हाथ पकड़ा और इशारे से कहा, नहीं अभी टाइम सही नहीं है। वेंग बोला, शिजे ये मेरा क्लासमेट है। तभी आईसीयू से डॉक्टर बाहर निकले। वेंग उनके पास गया और बोला, डॉक्टर अब मेरे डैड की कंडीशन कैसी है। डॉक्टर ने कहा कि मिस्टर जियांग फेंगमियान अब खतरे से बाहर हैं पर अभी भी वो बेहोश हैं, प्लीज़ आप अच्छे से उन्हें रेस्ट करने दीजिए, उन्हें डिस्टर्ब मत करिएगा। ये सुनकर वेंग के दिल में एक थोड़ा सुकून हुआ। वांग जी की नज़र जियांगजा पर गई। उसने सोचा, ये तो वही है जिससे मेरे ग प्यार करते थे। वांग जी जियांगजा की ओर बहुत ध्यान से देख रहा था। तभी वेंग बोला, वांग जी क्या हुआ तुम्हें, तुम क्या सोच रहे हो। वांग जी बोला, कुछ नहीं बस। वेंग बोला, वांग जी तुम अभी को सोच रहे थे। तभी वांग जी का फ़ोन रिंग करने लगा। उसने कहा, वेंग मैं अभी आया। वो कॉल मैंग्याओ की थी। वांग जी ने कॉल रिसीव करी तो मैंग्याओ हंसते हुए बोला, लान वांग जी कैसा लगा मेरा जवाब। ये सुनकर वांग जी को बहुत गुस्सा आया। वो बोला, मैंने कहा था ना तुमसे कि वेंग से जियांग फैमिली से दूर रहना, ये मेरा मैटर था, मैं ही इसे सॉल्व करता, तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया। तभी मैंग्याओ बोला, लान वांग जी भूलो मत, तुम्हारी रिवेंज को पूरा करने में मैंने ही तुम्हारी मदद करी थी, वरना तुम कभी भी जियांग फेंगमियान या उसके बेटे के नज़दीक तक नहीं जा पाते। वो बोला, तुम्हें क्या लगता है जिस दिन वेवुशन को पता चला कि तुम्हारी उसके करीब जाने का असली मतलब क्या था, तो तुम्हें क्या लगता है कि वो तब भी तुमसे प्यार करेगा। लान वांग जी तुम्हारी वजह से ही आज वेवुशन का फादर जियांग फेंगमियान हॉस्पिटल में है। वांग जी काफ़ी देर तक ये सब सुनता रहा और बोला, मैंग्याओ तुमको मैं छोड़ूंगा नहीं। तभी मैंग्याओ ने कॉल काट दी। वांग जी गुस्से में अपना हाथ दीवार पर मार देता है, पर जैसे ही वो पीछे की ओर मुड़ा तो वो वहाँ वेंग को देखकर क्या। वेंग उसे कुछ भी नहीं कह रहा था। वांग जी ने कहा, वेंग तुम यहाँ कब आए, पर वेंग उसे कुछ भी नहीं बोला। वांग जी के दिल में डर सा समा गया। उसे लगा कि कहीं वेंग ने उसकी बात तो नहीं सुन ली। वो धीरे धीरे कदमों से वेंग की तरफ बढ़ने लगा तो वेंग उसकी तरफ कदम बढ़ाने की जगह अपने कदमों को पीछे करने लगता है। वांग जी कहता है, वेंग ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या हुआ है। वेंग का पैर लड़खड़ा जाता है और वो गिरने लगता है तो वांग जी उसे संभाल लेता है। वांग जी बोला, वेंग तुम ठीक तो हो ना। पर वेंग की आंखों में आंसू थे और चेहरे पर मिक्स्ड इमोशंस, गुस्से के उदासी के। वांग जी बोला, वेंग तुम्हें क्या हुआ है, कुछ तो बोलो। तभी वेंग ने वांग जी को अपने से दूर पुश किया और कहा, लान वांग जी तुम मेरे डैड को कैसे जानते हो,
और अभी तुम फोन पर किससे बात कर रहे थे? ये सुनते ही वांग जी का दिल बैठ सा गया। वो बोला, वेंग, वो बस मेरा एक दोस्त था। वेंग उसके नज़दीक आता है और उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाता है। एक रूम में वो और वांग जी बिल्कुल अकेले थे। वेंग बोला, लान वांग जी, क्या तुमने मेरे डैड के ऊपर अटैक करवाया है? क्या तुमने उनको गोली मरवाई है? तो वांग जी बोला, वेंग, ये तुम क्या कह रहे हो? वेंग वांग जी के नज़दीक आता है और उससे कहता है, वांग जी प्लीज़ मुझसे झूठ मत बोलो, क्या तुमने ऐसा किया है? तभी वांग जी वहाँ से जाने लगता है तो वेंग ने उसे अपने नज़दीक खींचा और कहा, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। वांग जी ने आज पहली बार वेंग को इतने गुस्से में देखा था। वो बोला, वेंग, मैं सच में अपने दोस्त से ही बात कर रहा था। वेंग ने गुस्से में वांग जी को पीछे की ओर पुश कर दिया। वांग जी रूम की दीवार से टकरा गया। वेंग बोला, नान वांग जी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भूल गया हूँ कि मैं किस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तुम्हें क्या लगा था वांग जी कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? तुम क्या प्लान कर रहे हो? वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो वेंग से क्या कहे। तभी वेंग ने उसे फ़ोन पर एक मैसेज दिखाया जिसमें लिखा था कि लान वांग जी ने ही जियांग फेंगमियान पर अटैक करवाया था। वेंग बोला, वांग जी, मैं उस पर्सन की बात पर यकीन नहीं करता, पर उसने तुम्हारे बारे में मुझे एक एक जो भी बात बताई वो सब सच निकली। उसको कैसे पता कि तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है और तुम यहाँ अकेले रहते हो? वांग जी का दिल बेचैन हो गया था। वो वेंग के नज़दीक गया और बोला, वेंग, मेरा यकीन करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा तुम सोच रहे हो, समझ रहे हो, मैं तभी वेंग बोला, क्या तुम्हारा मेरे कॉलेज में पढ़ना भी एक प्लान का हिस्सा था? वांग जी ने कहा, वेंग ये। तभी वेंग ने वांग जी को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया, पर उसने अपना हाथ वांग जी के गाल तक पहुंचने से पहले ही रोक दिया। वो बोला, वांग जी, क्या हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ, हमने एक दूसरे के साथ लव मेकिंग करी, प्यार किया, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया, तुमने मुझे कहा था कि तुम मेरा साथ छोड़कर कभी नहीं जाओगे, और मेरे प्यार को एक्सेप्ट करना, क्या ये भी तुम्हारा एक नाटक था? वेंग कहते कहते रोने लगता है और अपना सर वांग जी के कंधे पर रख देता है। वो कहता है, वांग जी, कह दो ना मुझसे कि ये सब एक झूठ है, तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो, तुम मेरे करीब किसी मकसद से नहीं आए थे, तुमने मेरे डैड पर अटैक नहीं करवाया है। वांग जी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मुझसे अभी जो बोलोगे ना, मैं सब सच मान लूँगा, मैं यकीन करूँगा तुम्हारी बात का। वेंग की आवाज़ कांपने लगी थी। वांग जी भी रो रहा था। उसने कहा, सॉरी वेंग। वांग जी के मुँह से सॉरी शब्द सुनते ही वेंग के दिल में बहुत तेज़ पेन हुआ। वांग जी बोला, वेंग, ये सच है कि मैं तुम्हारा यूज़ करके तुम्हारे डैड जियांग फेंगमियान से बदला लेना चाहता था। शुरुआत में मेरा प्लान था तुम्हें अपने प्यार में फंसाने का, पर धीरे धीरे जब मैंने तुमको जाना और मेरे लिए तुम्हारे प्यार को देखा, तो मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत कर रहा हूँ। वो कहता है, वेंग, जियांग फेंगमियान के कारण मेरी फैमिली बर्बाद हो गई थी। मेरे बड़े भाई तुम्हारे भाई से प्यार करते थे, पर एक दिन तुम्हारे डैड और मेरे अंकल के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई, और उसी बीच जो गोली तुम्हारे भाई को लगती वो मेरे भाई को लग गई। अंकल का बिजनेस पूरी तरह से बर्बाद हो गया था और मेरे बड़े भाई बहुत दिन तक कोमा में रहे थे। ठीक होने के बाद मेरे भाई ने तुम्हारे भाई से मिलने की बहुत कोशिश करी, पर तुम्हारे डैड ने उन्हें मिलने तक नहीं दिया। मजबूरी में मेरे अंकल को और हम दोनों भाइयों को अमेरिका जाना पड़ा, क्योंकि हम यहाँ पर सेफ नहीं थे। लेकिन वेंग, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरा यकीन करो, इसमें कोई झूठ नहीं है। तभी वेंग ने वांग जी की ओर देखा। उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो रखी थी। वो वांग जी के नज़दीक गया और उसके लिप्स पर किस करने लगा। वेंग बिल्कुल पागलों की तरह वांग जी को किस करता जा रहा था और वो रोता भी जा रहा था। तभी अचानक से उसने वांग जी के लिप्स पर बाइट कर लिया। वांग जी के लिप्स से ब्लड आने लगा। वेंग रोते रोते बोला, नान वांग जी, आज के बाद मुझसे मिलने की या करीब आने की कोशिश भी मत करना, कम से कम तुम्हें मुझे पूछना तो चाहिए थे ना। हाँ, तुमने मेरा यूज़ किया, तुम मेरा यूज़ कर रहे थे, मेरे करीब भी मत आना, वरना मैं भूल जाऊँगा कि मैं तुमसे प्यार भी करता हूँ। तुमने मेरा भरोसा इस कदर तोड़ा है कि शायद अब मैं किसी और को अपने करीब कभी ना आने दूँ। ये कहकर वेंग वहाँ से जाने लगता है। तभी वांग जी उसे पीछे से गले लगा लेता है और कहता है, वेंग, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो,
मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। वांगजी भी रो रहा था और वेंग भी। वेंग बोला, वांगजी एक बार भरोसा टूट जाने पर दोबारा यकीन करना बहुत मुश्किल होता है। ये कहकर वो वांगजी का हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर वांगजी वेंग को टाइटली अपनी बाहों में पकड़े हुए था। वांगजी कहता है, वेंग मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा, जिसने तुम्हें डैड पर अटैक करवाया है मैं उसको सज़ा ज़रूर दिलाऊँगा, प्लीज़ बस एक बार मेरे ऊपर यकीन कर लो प्लीज़ वेंग। वेंग कहता है, वांगजी अगर तुम सच में मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो इस लाइफ में मेरे सामने मत आना। ये सुनते ही वांगजी को एक झटका सा लगता है। वेंग रो रहा था, वो कांपती हुई आवाज़ में कहता है, वांगजी मेरे डैड मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं और आज वो हॉस्पिटल में है। किसकी वजह से? मेरी वजह से, क्योंकि मैं प्यार में इतना पागल था कि मैंने अपने डैड की बातों पर गौर ही नहीं किया। मेरे डैड हमेशा कहते थे कि जिस तरह का हम काम करते हैं उसमें हम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि चारों तरफ हमारे दुश्मन हैं, पर मैंने क्या किया। तभी वेंग एक झटके से ही वांगजी से अलग हो जाता है और कहता है, वांगजी मेरी फैमिली के पास आने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा तुम्हारे ऊपर लास्ट फेवर है, भूल जाना कि कोई वेंग था जो तुमसे पागलों की तरह प्यार करता था। ये कहकर वेंग वहाँ से चला जाता है। वांगजी रोते रोते ज़मीन पर बैठ जाता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे सब कुछ ठीक करे। तभी उसके फ़ोन पर चेन का फ़ोन आने लगा। वांगजी ने खुद को संभाला, फिर उसने वो कॉल उठाई, पर वो अपने बड़े भाई से सच छुपा नहीं सका। शिचेन बोला, वांगजी मैं अंकल के साथ वापस वहाँ आ रहा हूँ, तुम परेशान मत हो, तुम्हारा ये भाई हमेशा तुम्हारे साथ है। इधर वेंग जब आईसीयू के बाहर पहुँचा तो उसे देखकर जियांग यानली बोली, आशियान तुम। तभी वो कहने लगी, आशियान तुम रो रहे थे क्या? वेंग बोला, नहीं शिजे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो तो कुछ और। तभी वहाँ पर यी जियुआन आ जाती है और बोली, वेवुशियान आई थिंक तुम्हें अभी अपनी फैमिली पर ध्यान देना चाहिए। उस दिन के बाद से वेंग ने एक बार भी वांगजी की कॉल को रिसीव नहीं किया। वांगजी बहुत परेशान था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फाइनली 3 दिन का लंबा सफ़र तय करने के बाद शिचेन और लांशिरेन वांगजी के पास पहुंच गए। वांगजी ने उन दोनों को पूरी बात बता दी। लांशिरेन तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था क्योंकि वांगजी ने उनसे बिना पूछे ये सब जो किया था। शिचेन बोला, वांगजी तुमने ऐसा क्यों किया? मैं और अंकल तुमको हमेशा इन चीज़ों से दूर रखना चाहते थे। वांगजी बोला, सॉरी का, पर अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं वेंग के बिना नहीं जी सकता हूँ। शिचेन बोला, वांगजी तुम्हें नहीं पता लेकिन मैंग्याओ ने ही अंकल और मिस्टर जियांग फेंगमियान के बीच में सब गलत फहमियाँ पैदा करी थी, क्योंकि वो मुझसे प्यार करता था लेकिन मैंने कभी उसके प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया, इसी का बदला लेने के लिए उसने ये सब किया। कम से कम तुम्हें मुझसे पूछना तो चाहिए था ना वांगजी। वांगजी बोला, गा मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? वांगजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शिचेन कहता है, मैंग्याओ की एक वीकनेस है, वो हूँ मैं, अगर वो ये जान जाए कि मैं वापस आ चुका हूँ तो वो मुझसे मिलने ज़रूर आएगा, तब तुम वेंग के सामने उसका राज फाश कर सकते हो। और रही बात मिस्टर जियांग फेंग मियान की, तो मैं और अंकल उनसे बात करेंगे। वांगजी की आंखें नम थीं पर एक सुकून था कि उसका बड़ा भाई उसके साथ है। वांगजी ने वेंग को कॉल मिलाई पर अपने बड़े भाई के नंबर से। वेंग जियांग फेंग मियान और बाकी के सभी लोगों के साथ रूम में बैठा हुआ था। अनु नंबर से कॉल आई, पहली बार तो उसने कॉल काट दी, पर जब उस नंबर से कई बार कॉल आई तो वेग ने कॉल रिसीव कर ली। वो अपने रूम में चला गया और बोला, हेलो रान वांगजी। वांगजी चौंक गया कि आखिरकार वेग को कैसे पता चला कि उसने कॉल करी थी। वेग कोल्ड आवाज़ में बोला, रान वांगजी मुझे पता था कि ये तुम ही हो, एक आखिरी बार मैं सुनना चाहता हूँ कि तुम अब कौन सा झूठ मुझसे कहना चाह रहे हो। वांगजी बोला, वेग मैं अभी तुम्हारे फ़ोन पर एक जगह की डिटेल भेजूंगा, कल तुम प्लीज़ वहां पर आ जाना। वेंग बोला, वांगजी मैं कहीं नहीं आऊंगा, मैं तुम्हारी किसी बात में अब नहीं आने वाला। वांगजी बोला, प्लीज़ वेंग एक आखिरी बार मेरी बात मान लो, फिर मैं कभी तुमको परेशान नहीं करूंगा। किसी तरह से वेंग मान जाता है। इधर मैंग्याओ भी वांगजी की बात मान चुका था। वांगजी अपने बड़े भाई के साथ एक खाली पुरानी बिल्डिंग में खड़ा हुआ था और बार बार घड़ी की तरफ देख रहा था। शिचेन कहता है, वांगजी वेंग आ जाएगा, प्लीज़ तुम परेशान मत हो,
थोड़ी देर बाद एक ब्लैक मर्सिडीज कार आकर रुकती है और उससे वेंग उतरता है। उसने ऑल टोटल ब्लैक कपड़े पहने हुए थे। वांग जी ने कहा, वेंग प्लीज़ तुम यहाँ छुप जाओ, जिस पर्सन ने तुम्हारे डैड पर गोली चलाई थी वो भी यहाँ आने वाला है। वेंग बोला, वांग जी मैं अब तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं करने वाला। तभी शिचन बोला, मेरी बात पर तो यकीन करोगे ना मिस्टर वेवुशियन। शिचन बोला, मैं वांग जी का बड़ा भाई हूँ। और तभी वहाँ किसी गाड़ी की आवाज़ आई। वांग जी ने जल्दी से वेंग को दीवार के पीछे छुपने के लिए मना लिया। मैंग्या आ चुका था। शिचन को देखते ही वो बोला, लान वांग जी कम से कम तुम्हारे भाई को अक्ल तो आई कि जियंगचा नहीं, मैं उसे सच्चा प्यार करता हूँ। वेंग उनकी सारी बातें सुन रहा था। तभी वांग जी बोला, मैंग्या तुमने मिस्टर जियांग फेंग म्यान पर गोली क्यों चलाई? ये सुनकर मैंग्या हंसा और बोला, क्योंकि मैं तुमको और उस वेवुशियन को अलग करना चाहता था। मुझे नहीं पसंद उस जियांग फेंग म्यान के कोई भी बेटे, मुझे पसंद नहीं है। और वैसे भी तुमने मुझे पंच किया था ना, उसके लिए ये उसका बदला था। मैंने ही वेवुशियन को उदय स्विमिंग पूल में धक्का दिया था, मैंने ही उसके फ़ोन पर वो मैसेज भेजा था। वेंग को सुनकर एक झटका सा लगता है, क्योंकि उसने ना जाने गुस्से में वांग जी को क्या क्या कह दिया था और उसकी एक बार बात भी नहीं सुनी। उसको रोना आ रहा था। वेंग से रहा नहीं गया और वो बीच में ही गन लेकर मैंग्याओ के सामने आ गया। वांग जी ने वेंग को मना किया था पर वेंग ने उसकी एक भी नहीं मानी। वांग जी बोला, वेंग तुम क्यों आ गए? वेंग कहता है, मैंग्याओ मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी वांग जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, वेंग प्लीज़ तुम ये सब मत करो। पर वेंग वांग जी की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था। तभी मौका देखकर मैंग्याओ ने अपनी गन निकाल ली। वांग जी देख लेता है मैंग्याओ जैसे ही वेंग पर गन फायर करता है। तभी बीच में वांग जी आ जाता है और वो गोली वांग जी को लग जाती है। वांग जी के ब्लड निकालने लगता है। वेंग और शिचन की तो चीख निकल जाती है। वेंग तुरंत वांग जी को अपनी बाहों में पकड़ लेता है। रोते रोते कहता है, वांग जी ये तुमने क्या कर दिया? प्लीज़ प्लीज़ आके खोलो, प्लीज़ वांग जी प्लीज़। मैंग्या भागने की कोशिश करता है पर तब तक वहाँ पुलिस आ चुकी थी और वो मैंग्या को पकड़ कर ले जाती है। वांग जी को हॉस्पिटल ले जाया गया। उसका बहुत खून बह चुका था। वेंग बुरी तरह से रो रहा था और कह रहा था, वांग जी प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना। शिचन किसी तरह से वेंग को संभालता है। 5 घंटे के डिफ़िकल्ट ऑपरेशन के बाद वांग जी को बचाया गया। जब उसकी कंडीशन बेटर हुई तो उसे प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। वेंग उसके रूम में गया और वांग जी के पास जाकर बैठ गया। वो कहता है, वांग जी सॉरी, मैंने तुम्हें ना जाने क्या कुछ कह दिया, मैंने तुम्हारी एक बार बात भी नहीं सुनी, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने गुस्से में कहा था ना, वो सब झूठ था। मैं एक पल के लिए, एक दिन के लिए भी तुम्हें नहीं भूला। मैं ये जानता हूँ कि मैंने ये दिन कैसे बिताए हैं। प्लीज़ वांग जी मुझे छोड़कर मत जाना, मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी, मैंने क्यों नहीं मानी तुम्हारी बात। रोते रोते वेंग अपना सर वांग जी के हाथ के पास रख देता है। तभी वांग जी बोला, वेंग, वो आवाज़ बहुत धीरे सी थी। वांग जी की आवाज़ कानों में पड़ते ही वेंग अचानक से उठ गया। उसे लगा कि ये उसका वहम था। पर तभी वांग जी ने अपना हाथ वेंग के हाथ पर धीरे से रखा और कहा, वेंग। उसको देखते ही वेंग रोने लगा और उसने अपना सर वांग जी के सीने पर रख दिया। वो दोनों ही रो रहे थे। वांग जी को ऑक्सीजन मास्क लगी हुई थी। वेंग बोला, वांग जी अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता ना तो मैं भी अपनी जान दे देता, तुम क्यों मेरे सामने आ गए? तभी उसे याद आया कि वांग जी को तो गोली लगी है। वो तुरंत हटा और बोला, सॉरी मैं। तभी वांग जी ने वेंग को इशारे से अपनी तरफ आने के लिए कहा। उसने अपना ऑक्सीजन मास्क हटाया और वेंग के लिप्स पर किस किया। वेंग भी वांग जी को किस कर रहा था। उनका वो किस बहुत ज़्यादा पैशनेट होता जा रहा था। तभी वेंग ने कहा, नहीं वांग जी अभी नहीं, जब तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगे तब। वांग जी बोला, वेंग तुम्हें पता है तुम मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो, तुम मेरे साथ रहोगे ना तो मुझे कुछ भी नहीं होगा। उस दिन के बाद मिस्टर लांशिरन और शिचन जियांग फेंग म्यान से मिलने गए। सारी गलतफहमियां दूर हो गईं। फिर से लान फैमिली और जियांग फैमिली में सब कुछ नॉर्मल हो गया। जियांगचा और लान शिचन फिर से साथ में हो गए और वांग जी और वेवुशियन का प्यार हमेशा हमेशा के लिए बना रहा। उनके बीच में अब कोई भी दरार पैदा करने वाला नहीं था और वो चारों ही बहुत खुश थे। होप सो फ्रेंड्स, आपको ये फिल्म पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर एक नेक्स्ट FF के साथ जल्द आप सबसे मिलूंगी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।